आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। 29 जून के डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं ये टॉपिक्स वगैरह रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस मंथ की लास्ट वीडियो है और प्लस में मैं इसको लेट हो गया पोस्ट करने में, मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ आप लोगों से। तो बीच 29 जून का जैसे टॉपिक खत्म होंगे उसके बाद बीच में आपको 30 जून का स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आप 13 जून को देख लेना कंटिन्यू। 29 जून के टॉपिक में ऐसे स्टार्टिंग बताऊंगा नहीं, डिस्कस डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए। GS पेपर 1 टॉपिक्स कवर्ड इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना WMO फाइंडिंग्स ऑन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। देखो इस टॉपिक में ना यहाँ पर WMO के बारे में एक्चुअली इन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन WMO बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में एडिशनली एक अलग स्लाइड पे बताऊंगा ज़रूर। एक्चुअली यहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली भी हमारे साइक्लोन्स वगैरह भी आए थे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहीं भी कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। पहले ये जानो कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स में और लाइटनिंग में क्या डिफरेंस हो रहा होता है। लाइटनिंग जब आसमान में ही जो बिजली कड़क रही होती है ना, उसको सिर्फ बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। थंडर, लाइटनिंग, थंडर मतलब वो गरजना, लेकिन जब वो ज़मीन पर आके टकराती भी है ना, तब उसको बोलते हैं लाइटनिंग का स्ट्राइक होना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ हाईलाइट्स दिए हैं, हालांकि हमको सारे के सारे हाईलाइट्स ना याद रखने के लायक इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताता चलूँगा, उनको नोट करते चलना, क्योंकि अलग अलग कंट्री का ना अलग अलग पैटर्न के साथ डेटा दे रखा है, इतना डेटा आप याद नहीं कर सकते और इतना भी हाई चांसेस नहीं है इस टॉपिक के बनने के। जैसे इन्होंने कहा कि ब्राज़ील के अंदर जो लाइटनिंग स्ट्राइक थी ना, अभी तक की जो रिकॉर्ड की गई है वो 709 किलोमीटर की थी 2018 के अंदर। इसको याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस रिकॉर्ड था जो था इससे पहले लाइटनिंग का, वो जून 20 2007 का था, 321 किलोमीटर का, वो था US के स्टेट ओक्लाहोमा के अंदर। तो ये तो बिल्कुल भी याद रखना नहीं क्योंकि बहुत पहले का है, पर ये जान लो कि US के अंदर ना टोटल 50 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं ना, उनके वहाँ पर 50 स्टेट्स होते हैंगे, और उनके पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग बैठते हैं? टोटल मिला के 100, हर एक से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सेकेंड, US का जो फ्लैग है ना, US के फ्लैग के अंदर ना स्टार्स हैं कुछ, उन स्टार्स का टोटल काउंट 50 है, और हर एक स्टार जो है वो उनके एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अर्जेंटीना ने एक रिकॉर्ड स्ट्राइक लिया था जो कि लास्ट किया था 16.70 सेकंड तक 2019 के अंदर। हाँ, ये एक लेटेस्ट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीवियस जो रिकॉर्ड था एक सिंगल लाइटनिंग फ्लैश का जो कंटिन्यूसली हुआ था 7.74 सेकंड तक का, वो 30 अगस्त 2012 में था, ओवर प्रोविंसे एल्प्स कोते दे अजूर फ्रांस के अंदर। अब ये थोड़ा फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये वाला पॉइंट भी नोट करने लायक नहीं है क्योंकि हम लोग ने 2019 के बारे में ऑलरेडी एक लेटेस्ट पॉइंट याद रख लिया है। मेगा फ्लैशेस के बारे में बताना चाह रहा है कि वो लाइटनिंग फ्लैशेस जो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं ना अब रिकॉर्ड बुक्स के अंदर, उनको मेगा फ्लैशेस बोलते हैं। अब रिकॉर्ड आप किस चीज़ को करोगे? जो बहुत ही हाई वैल्यू के होते हैं। तो इस पूरे हाईलाइट्स के सेक्शन के अंदर आपको एक फोर्थ पॉइंट था जो नोट डाउन करके रखना है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स इंडिया, हाँ इसमें ज़्यादा हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे नोट डाउन करने के लिए। यूपी में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं, ये आप लिख लो अपने नोट्स के अंदर, अभी लिख लो। मतलब लिखने में क्या तरीका होता है, ऊपर लिखो लाइटनिंग स्ट्राइक्स टॉपिक, ठीक है, उसमें लिखो अर्जेंटीना, उसके बाद हाइफन लगाओ, जैसे ऊपर वाला टॉपिक था ना, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया करो। देखो ऊपर लिखा टाइटल डाल दो एक पेज के ऊपर, लाइटनिंग स्ट्राइक्स करके, मैं जैसे इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, पहला पॉइंट लिखो। इसमें फोर्थ पॉइंट क्या था, अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड किया था स्ट्राइक लास्टेड फॉर इतना, तो लिखो अर्जेंटीना लिखा हाइफन, उसमें रिकॉर्ड, ठीक है, हाइफन 16.73 सेकेंड हाइफन 2019। बस चार शब्दों से आपका नोट रेडी हो गया है। उसी के नीचे सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, सेकेंड पॉइंट जब आपका लिखोगे नोट्स में, उससे लिखोगे आप इंडिया, तो इंडिया का शॉर्टकट IND, उसमें लिखोगे 1 ब्रैकेट में, फिर यूपी लिख दोगे, फिर हाइफन लगा के लिखोगे ब्रैकेट में 2, उसमें लिख दोगे बिहार। तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट रैंकिंग आपने यूपी को दी है, सेकेंड रैंकिंग आपने बिहार को दी है। फिर टाइम पीरियड लिख दो, थर्ड हाइफन लगा के लिखो 2019, फिर हाइफन लगा के लिखो April to July, बस 4 महीने का। आपको भी याद रहेगा कि अच्छा 4 महीने के बाद की थी, 4 महीने में यूपी में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुए थे और बिहार का था ये। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट ना, इसको अलग कर लेना, ये जो टाइम पीरियड वाला पॉइंट है ना, इसको अलग लिख लेना, मतलब ये दोनों ज़रूरी हैं आपके, मैं कहता हूँ, क्योंकि 2019 का डेटा है ना, बिल्कुल रिसेंट। तो नंबर ऑफ लाइटनिंग डेज जो है ना इंडिया के अंदर, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं सिग्निफिकेंटली हर मंथ। अब ये लिखने का पॉइंट नहीं है, इसको बस समझ के रखने की याद है कि मौसम के अंदर बदलाव ज़्यादा आ रहे हैं, तो लाइटनिंग के जो डेज़ हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं इंडिया में। लाइटनिंग से इंडिया में ज़्यादा लोग मरते हैं रादर देन किसी भी दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण, साइक्लोन हो गया,
ठीक है, या फिर बादल फटने वाली चीज़ होती है, फिर फ्लड आ जाना होता है। ऐसे किसी इंसिडेंट्स के अंदर इतनी डेथ नहीं होती जितनी डेथ इंडिया के अंदर साइक्लोन वो लाइटनिंग्स हो जाती है ये। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नोट डाउन करने का नहीं, सिर्फ याद रखने की चीज़ें। कभी रिविजन करोगे तो सडनली क्लिक कर जाएंगे याद में, पर ये लिखने के पॉइंट ज़रूर है जब आप आंसर लिखोगे ना वहाँ पर। तो हम ये जान लेते हैं कि लाइटनिंग होता क्या है। बहुत ही रैपिड, रैपिड मतलब बहुत तेज, मैसिव मतलब ह्यूज, बड़ा, और डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हो रहा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो अर्थ के सरफेस की तरह भी आ जाता है। देखो, जब अर्थ के सरफेस की तरफ आ जाता है तब उसको हम लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्चार्ज होते हैं ना, इसके कारण एक बहुत ही जाइंट मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड्स जनरेट किए जाते हैं। ये जनरेट होते हैं 10 से 12 किलोमीटर टॉल के। अब क्यूमुलो निम्बस नाम के टाइप का जो वो होता है ना क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस, निम्बस वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। निम्बस वर्ड का मतलब ही होता है क्लाउड। आप लोगों ने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी ना, उसमें उसकी जो झाड़ू होती है उससे आपको निम्बस वर्ड याद आएगा, ठीक है। तो निम्बस वर्ड जहाँ पे आ रहा है मतलब वहाँ पे क्लाउड की बात की जा रही है। तो ये वो जो क्लाउड होते हैं जिनके अंदर जो 10 से 12 किलोमीटर के टॉल होते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही हैवी अमाउंट के अंदर आपको लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, अब ये डायग्राम की बात है, क्या ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल, डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो आप इस डायग्राम को, क्योंकि बहुत सिंपल डायग्राम है। अगर आपको लाइटनिंग का टॉपिक आ गया देन डेफिनेटली आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ जहाँ ये प्लस के बॉक्सेस बन रहे हैं ना, ये प्लस माइनस के, वहाँ पर सिंपल प्लस और माइनस लिख देना, क्योंकि ये चार्जेस हैं। जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी होगी उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतना टफ नहीं है। तो अर्थ सर्फेस के ऊपर लाइटनिंग होती कैसे है? ये जो पूरा क्लाउड आपको दिख रहा है ना, वो क्लाउड के बॉटम के अंदर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ये जो माइनस माइनस वाले हैं ये बॉटम की तरफ हैं, और क्लाउड के ऊपर की तरफ या बीच की तरफ के अंदर, बेसिकली ऊपर की तरफ जो होता है ना रीजन, उसमें पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो हम नीचे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पर यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा समझ के चलो। नीचे अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस, और पॉजिटिव और चार्जेस नेगेटिव चार्जेस जब आपस में मिलते हैं ना तो लाइटनिंग होती है, तब वो फ्लैश आपको दिखाई देता है, ठीक है, समझ गए। जनरली आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, मैं तो कहूँगा मत करना, लेकिन आपके हर किसी घर में वो प्लग होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाला स्विच लगाने का, कोई भी चीज़ आप लगाते हो, फ़ोन का चार्जर लगाते हो, तो उसमें एक सिंगल तार लेना, लेफ्ट वाले का जोड़ निकाल करके राइट वाले में डाल देना और स्विच को ऑन कर देना, मस्त एक पटाखा बजेगा, आपको दिखाई दे जाएगा लाइटनिंग क्या होती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव को आपने पॉजिटिव से मिला दिया। लाइटनिंग में भी आसमान में जो बिजली चमक रही होती है उसमें भी यही होता है, ऊपर से जो नेगेटिव होता है नीचे वाले पॉजिटिव के बीच में मिल जाता है, यहाँ पर लाइटनिंग होती है, दिखाई देती है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि हो क्या रहा है हमारे पास एक्चुअल में। ये जो क्लाउड्स का जो बेस होता है ना, वो टिपिकली अर्थ के सरफेस ही, मान लो अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ से कुछ 1 या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, यहाँ पे हमारा क्लाउड होता है। और ऊपर की रीजन की बात करें तो क्लाउड की पूरी जो वो टॉलनेस होती है, हाइट होती है, वो 10 से 12 किलोमीटर की होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टॉप के क्लाउड के जो टॉप रीजन होता है ना, वहाँ पर नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है -35 से -45 तक, क्योंकि जितना हम अर्थ के सरफेस से बियॉन्ड जाते हैं उतनी हमारी हीट का प्रेशर कम होता है, ट्रैप कम होता है, और हीट हमारी जो होती है ईजिली रेडिएट होनी स्टार्ट हो जाती है ऊपर की तरफ। ऊपर बेसिकली ट्रैप नहीं होती ना, तो नेगेटिव के अंदर ही रहता है टेम्परेचर 10-12 किलोमीटर के बाद। अब जो वाटर वेपर होता है, ध्यान देना, वो क्लाउड के अंदर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये आपका क्लाउड हो गया, इसमें जो वाटर वेपर होगा ना वो इसके अंदर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जिस क्योंकि और जो टेम्परेचर को होता है ना, लो टेम्परेचर के कारण वही वाटर वेपर अब कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होते हैं, वही तो पानी तो होता है। पानी का वाटर वेपर, जब पानी को आप इवेपोरेट करते हैं तो क्या बनता है, वो जो भाप बोलते हो जिसको, स्टीम को, वो वाटर वेपर ही तो होते हैं। वो ऊपर जाएंगे ठंडे टेम्परेचर के अंदर, जब वो जाते हैं तो वो बर्फ़ बन जाते हैं, ध्यान देना, क्योंकि उसके अंदर से हीट जनरेट होती है। कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज़ करना, ठीक है। और इवेपोरेशन जो होता है वो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, कि आपको लिखना है, बिल्कुल लिखना है, ये प्रीलिम्स में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कन्फ्यूजिंग है ये। इवेपोरेशन एंडोथर्मिक होता है, यानी कि हीट उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर चाहिए होती है। एक्सोथर्मिक कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में हीट जो है अंदर से बाहर जाती, तभी वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और इस हीट जब जनरेट होती है उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, वो और ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बेसिकली एक सर्कुलर मोशन सेटअप हो गया है।
फिर जितना वो ऊपर की तरफ जाते हैं ना टेम्परेचर बिलो में, मतलब बिलो जीरो के पास जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो आइस क्रिस्टल्स में बन जाते हैं और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा वजन भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। अब जब उनमें वजन बढ़ जाता है तो ग्रेविटी के कारण फिर वो अर्थ की तरफ नीचे फॉल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ऊपर छोटे 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 ऐसे बन गए क्रिस्टल्स, ठीक है, अब वो अर्थ से नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नीचे से भी तो कुछ लाइट क्रिस्टल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना। अब ये दोनों जो नीचे से लाइट जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से हैवी लाइट क्रिस्टल हैवी आइस क्रिस्टल्स जो क्रिस्टल जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों के बीच में कॉलिजन होता है। जब ये कॉलिजन होता है ना ये आइस क्रिस्टल्स का ऊपर आसमान बादल के अंदर, उसके कारण यहाँ पर बहुत हैवी अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स के कारण और इस सब के कारण एक स्पार्क होता है इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का, और जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनका कॉलिजन होता है और एक चेन ऑफ रिएक्शन बन जाता है, यानी कि नीचे से वो मॉलिक्यूल जाए जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से नीचे आए जा रहे हैं, कॉलिजन हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है। ये इसके कारण क्या होता है, इस प्रोसेस के कारण जो टॉप लेयर होता है क्लाउड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो क्लाउड का जो मिडल लेयर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इतनी बड़ी अंदर उसके अंदर लाइटनिंग हो रही है तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन वोल्ट तक का पोटेंशियल होता है। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पढ़ा है जीवन में उनको थोड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, पर बस सुनते चलो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इस पूरे से टाइम के अंदर एक बहुत मैसिव अमाउंट के अंदर एक करंट जनरेट होता है जिसकी वैल्यू कितनी तक कितने एम्पियर तक हो सकती है, 1 लाख से ले टू अ मिलियन इकाई, तो 1 लाख से लेकर 10 लाख मिलियन एम्पियर तक इस करंट की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। करंट को मेजर करने की यूनिट को एम्पियर बोलते हैं, जैसे डिस्टेंस की को मीटर बोलते हैं ना, करंट की को एम्पियर बोलते हैं। ये फ्लो ये अब उन लेयर्स के बीच में ना फ्लो करना स्टार्ट कर देता है करंट, समझ रहे हो ना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। बिजली बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है आपको, जब इतनी तेज़ लाइटनिंग हो रही होती है ना उसके कारण वहाँ पर जो एयर होती है ना वो पूरी की पूरी गर्म होनी स्टार्ट जाती है, समझ रहे हो ना, जिसके कारण एक कॉलम बनता है रेडिश अपीयरेंस, आसमान जो है थोड़ा लाल लाल सा दिखने लग जाता है। अब ये जो अक्स लाल लाल सा होने लगता है वो हीट होगी ना, हीट के कारण वो एक्सपेंड करता है। अब उस एक्सपेंशन के कारण शॉक वेव्स निकलते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे अमाउंट में नहीं होता, किलोमीटर तक हो रहा होता है बहुत बड़ा। उस शॉक वेव्स के कारण थंडर गरजने की आवाज़ आती है हमारी, ठीक है। अब ये करंट अर्थ के ऊपर कैसे पहुंचता है, देखो अर्थ अपने आप में तो एक बहुत गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, ठीक है, यानी कि अर्थ के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन अर्थ के सरफेस के पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो मिडल लेयर और क्लाउड का जो मिडल लेयर होता है वहाँ पर कैसे होते हैं, वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो उसके कारण जो 15 से 20% जो करंट होता है ना वो क्या होता है, अर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड के बीच में पॉजिटिवली हैं, क्लाउड के बॉटम में नेगेटिवली हैं और अर्थ के सरफेस के ऊपर पॉजिटिवली हैं, तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। उसके कारण जो होता है ऊपर से जो करंट फ्लो करता है ना वो नीचे की तरफ आता है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। अब जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है ना तो जब अर्थ से बिल्कुल वो 80 और 100 मीटर के आसपास पहुंचता है, अब वो हाई स्पीड की बात कर, लाइट की स्पीड आपको पता ही होगी ना, अब जिन लोगों को लाइट की स्पीड नहीं पता वो तो यार देखो क्या कर सकते, क्योंकि तो फिफ्थ सिक्स सेवन से लेकर हर बार सुनते ही आ रहे हैं हम लोग, टेंथ ट्वेल्थ तक तो सुनते रहते हैं। चलो ये सवाल है आपका, लाइट की स्पीड बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कितनी होती है। तो इतनी हाई स्पीड के ऊपर जब लाइट अर्थ से बिल्कुल 80 से 100 मीटर के आसपास पहुंचती है ना, मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारी लाइटनिंग आ रही है, मान लो ये गैप है ये 80 से 100 मीटर के आसपास का रह गया, इतना गैप, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइटनिंग क्या करती है, एयर, देखो एयर अपने आप के अंदर ना एक कंडक्टर होती है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर नहीं होती है, अगर स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होती है ना तो डायरेक्ट उसको नीचे लेके आती है, लेकिन एक पुअर कंडक्टर होती है, तो उसके कारण क्या करती है, अभी लाइटनिंग ना टॉल ऑब्जेक्ट्स को देखना स्टार्ट करती है, मान लो कोई प्लांट हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई है, ठीक है, तो ये लाइटनिंग जब 80 से मीटर के आसपास होती है तब जो भी टॉल ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देती है ना ये उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, ये तो पेड़ के ऊपर गिर जाएगी या फिर कोई ऊंचा स्थान होगा वहाँ पर गिर जाएगी या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है, समझ गए, इसको बोलते हैं लाइटनिंग का स्ट्राइक होना, इसके कारण बहुत सारा डैमेज हो जाता है। प्रीलिम्स क्वेश्चन की बात करें तो लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होता है, मेगा फ्लैशेस क्या होते हैं, क्या अर्थ एक गुड कंडक्टर होता है, यस अर्थ बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स इंडिया के अंदर मैंने आप लोगों को सारे स्टैटिस्टिक्स बता रही थी, जो जो नोट करना तो भी करवा देता। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स मुझे आपको बताना है और WMO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताना है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1950 में ये क्रिएट किया गया था एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है 1951 से ही, जो मीटियोरोलॉजी यानी कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में सारे के सारे अपडेट्स हमको देती रहती है, ठीक है। WMO UN के सिस्टम की अथॉरिटेटिव वॉइस है,
ठीक है, यूएन को वेदर, क्लाइमेट और वाटर के बारे में अगर कुछ बोलना होता है तो वो डब्ल्यूएमओ के थ्रू बात करता है, जैसे हेल्थ के ऊपर होता है तो डब्ल्यूएचओ के थ्रू। इनका सेक्रेटेरिएट ऑफिस वही जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। कभी सवाल आता है ना आपके पास प्रीलिम्स के अंदर हेडक्वार्टर्स का और आप बहुत ही डाउट में रह गए कि यार नहीं पता चल रहा मुझे तो मैं क्या करूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं मान लिया डिपार्टमेंट का इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो दो ऑप्शन होते हैं, उनको हमेशा प्रेफरेंस में रखना। पहली बात जेनेवा, मोस्टली हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा में मिलेंगे, मतलब तीन के नाम याद रख लो मैं कहता हूँ, जेनेवा एक, वियना और एक न्यूयॉर्क, और फोर्थ ऑप्शन पेरिस मान के चल लो। ये चार में सबसे प्रायोरिटी सेट कर लो, सबसे पहले जिनेवा को टिक करना, दूसरा वियना को, तीसरा न्यूयॉर्क को और चौथा पेरिस को, इन चारों में से कोई। अगर आपको नहीं ही आता है तो ये तुक्के वाला क्वेश्चन होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पक्का करेक्ट ही आप करके आओगे, बट तुक्का मार सकते हो अगर लगता हो कि हो सकता है। तो अपने मेंबर्स के थ्रू जो WMO है वो फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट मतलब एक भविष्यवाणी करना, वार्निंग्स देना नेशंस को कि किस तरह का वेदर होने वाला है, इसके कारण सभी हर टाइप के डिजास्टर्स को, स्पेशली क्लाइमेट वेदर के डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जा सके, और मिटिगेट मतलब किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। WMO का काम है मॉनिटर करना और फोरकास्ट करना द ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल एंड ऑयल स्पिल्स, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक हैश, हेज एंड न्यूक्लियर आइसोटोप्स। ट्रस्ट मी, ये पॉइंट आपको प्रिलिम्स के अंदर पक्का बन सकता है कि WMO के फंक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं। केमिकल ऑयल स्पिल्स के अंदर भी WMO रिस्पॉन्सिबल है, फॉरेस्ट फायर के लिए भी WMO है, वोल्केनिक ऐश के लिए भी WMO है, हेज एंड न्यूक्लियर आइसोटॉप इनके लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत गोल्डन पॉइंट है ये। इट ऑल्सो ड्रॉज वर्ल्ड अटेंशन टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो ओजोन लेयर के बारे में तो बात होती रहती है ना, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, WMO उसके लिए वर्ल्ड को अटेंशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में। क्लाइमेट सेंटर है जो IMO का, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पुणे में, उनको उसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया था रीजनल क्लाइमेट सेंटर बाय WMO, विच विल प्रोवाइड द रीजनल क्लाइमेट सर्विसेज टू साउथ एशियन कंट्रीज़। चलो यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हम लोग हमेशा सुनते हैं एशिया, साउथ एशिया, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंडिया और WMO की जब हम बात करते हैं तो इंडिया को नोडल सेंटर, नोडल का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल सेंटर बना दिया गया है फ्लैश फ्लड के फोरकास्ट के लिए, ठीक है, WMO के द्वारा। WMO ने फ्लैश फ्लड के फोरकास्ट के लिए इंडिया को नोडल एजेंसी बना दिया गया है, ठीक है। कहाँ के लिए, कहाँ पर वार्निंग देगा, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के अंदर। ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, जिसका सिंपल सा काम है छः घंटे एडवांस में फ्लैश फ्लड के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। अब ऑब्वियसली बात है 6 घंटे तो बहुत कम होते हैं, बट स्टिल 6 घंटे कुछ तो पता चल रहा है, कुछ तो जान बता ही सकते हो 6 घंटे के अंदर। 6 घंटे के अंदर इंसान कम से कम कुछ 300-400 किलोमीटर ट्रैवल तो करवा ही सकता है, अगर गाड़ी ट्रक कुछ होगा तो, अपनी खुद की गाड़ी हो तो। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान गए, इंडिया और WMO के बारे में कुछ अच्छे अच्छे इसमें कीवर्ड्स मैंने आपको बता दी, रिसेंटली जो इंडिया के साथ क्या चल रहा है। अब ये वाला सेक्शन ना मेंस के आंसर राइटिंग में बड़ा हेल्पफुल होता है, इंडिया के साथ रिसेंटली क्या चल रहा है, तो इसे आप नोट डाउन करके ज़रूर रख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन था प्रिलिम्स का टाइप्स ऑफ क्लाउड, उसकी लिस्ट के ऊपर, तो मैं आपको इसमें इस वाले टॉपिक में ज़्यादा गहराई में नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको जरूर एक्सप्लेन करूँगा प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीन टाइप के क्लाउड्स आप मान के चलो, ठीक है, लो लेवल पे, मिड लेवल पे, हाई लेवल पे। अब आप लो, मिड और हाई के लिए कीवर्ड्स याद कर लो, हाई के लिए होगा सिरस, सिरो, मिडल के लिए होगा अल्टो, ठीक है, और लो के लिए होगा स्ट्रेटस, ठीक है, ध्यान रहे हाई के लिए क्या था सिरस, मिडिल के लिए क्या था एल्टो, और लो के लिए क्या था स्ट्रेटो स्ट्रेटस। अब इसके हिसाब से तीन कैटेगरीज बनती है हाइट के अकॉर्डिंग, सिरोक्लूमस और ये एस्ट्रोस्टेटस और स्ट्रेटोक्लूमस स्ट्रेटस करके, बेसिकली जो भी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्लाउड कहाँ पे मिलता है। अब जब मैं बात कर रहा था आप लोगों को लाइटनिंग के लिए, तो ये आपको दिख रहा है बड़ा सा क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस, मैंने आपको नाम भी बताया था, तो इसकी आप देख रहे हो हाइट लो से लेकर हाई तक भी बढ़ता है ये वाला क्लाउड जो होता है हमारा, ठीक है, इसी के अंदर ये इसकी जो हाइट होती है 10 से 12 किलोमीटर तक की होती है क्यूमुलोनिम्बस, यही होता है हमारा लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। GS पेपर 2 टॉपिक्स कवर्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। रिड्रेसल मैकेनिज्म, रिड्रेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का निवारण करना, ठीक है, रिड्रेस वर्ड का मतलब, डिस्प्यूट का रिड्रेस मतलब डिस्प्यूट का, कोई भी मतभेद वगैरह हो उसका निवारण करना। रिव्यू पिटीशन क्या होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना कोई जजमेंट दे दिया होता है, ठीक है, लेकिन लोगों को, पब्लिक को लग रहा होता है कि नहीं इसको जजमेंट को अभी भी रिव्यू किया जा सकता है, तो रिव्यू पिटीशन फाइल कर देते हैं, ठीक है। रिव्यू पिटीशन के बाद ना एक चीज़ और भी होती है, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, तो ये पहले नहीं हुआ करता था। क्यूरेटिव पिटीशन जो है ना हमारा 2002 से ही आया था, स्टार्ट हुआ था। उसमें क्या करता है,
सुप्रीम कोर्ट आपको अलाउ करता है कि हो सकता है रिव्यू करने के बावजूद भी, रिव्यू पिटिशन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से फिर भी कोई गलती हो सकती हो, ठीक है ना। कुछ ऐसा कोई केस वेस निकल के आ रखा हो, तो किसी की सजा वगैरह के ऊपर कुछ ऐसा कुछ प्रावधान हो, ऐसा कुछ प्रोविजन हो जिसके कारण एक जजमेंट जो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पा रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्यूरेटिव यानी कि करेक्ट करने के लिए, क्योर करने के लिए उसको क्यूरेटिव पिटिशन भी अलाउ करता है। यानी कि उसके बाद आप लास्ट टाइम एक बार दोबारा पिटिशन फाइल कर सकते हो। लेकिन क्यूरेटिव पिटिशन में जब आपको फाइल करना होता है ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि आपका रिव्यू पिटिशन जो था वो क्यों फेल हो गया था, किस किस ग्राउंड्स के ऊपर हो गया था। तो हम बात करते हैं रिव्यू पिटिशन की न्यूज़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जो रिव्यू पिटिशन आया था ना उसको रिफ्यूज़ कर दिया है। तो रिव्यू पिटिशन किसके ऊपर था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। पहले क्रिमिनलाइज हुआ करता था अडल्ट्री। अब अडल्ट्री क्या होता है ये जान लो। मान लो ये हस्बैंड प्लस ये है उनकी वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है और यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है, यहाँ पर मान लो एक मेल है और यहाँ चलो मेल का ही मान लेते हैं। मान लो इस वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, ठीक है, एक सेक्सुअल अफेयर स्टार्ट हो जाता है अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे मेल के साथ, ठीक है। ये एक कोई एडिशनल मेल है, एक्स्ट्रा लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर ई एक्स, ये एक्स मतलब ये वो वाला एक्स नहीं, एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल पर्सन समबड़ी। तो दिस हस्बैंड कैन फाइल अ केस ऑफ अडल्ट्री ऑन हिज वाइफ, ठीक है, और ये इसको डिवोर्स भी दे सकता है और इसके ऊपर केस कर सकता है। लेकिन यही चीज़ फीमेल के केस में अलाउड नहीं होती थी, ठीक है। इफ अ फीमेल वांट्स टू, अगर फीमेल को पता चलता है कि दैट हर हस्बैंड इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अनदर फीमेल, ठीक है, विद सम एक्स्ट्रा फीमेल, वाइफ कैन नॉट फाइल अ केस ऑफ एडल्ट्री ऑन हर हस्बैंड। तो ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी हुआ करता था, ठीक है, इसी को। और इसमें अब हस्बैंड को तो बेनिफिट मिल रहा है, वो अपनी वाइफ के ऊपर केस भी कर सकता है, डिवोर्स दे सकता है, लेकिन वाइफ को इतनी पावर नहीं होती थी कि अगर उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है तो शी कैन फाइल सम केस और उसको क्रिमिनलाइज करवा सकती हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को डिस्क्रिमिनाइज कर दिया, उन्होंने कहा कि भैया देखो ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ है, तो ये डिक्रिमिनलाइज हो गया है। और उन्होंने डिक्रिमिनलाइज करके क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि दोनों ही इंडिविजुअल्स अगर आप एक दूसरे के ऊपर चीट करते हैं तो उसको क्रिमिनलाइज करना, एक इनफिडेलिटी का मतलब होता है, देखो फिडेल वर्ड का मतलब समझो, FIDEL, फिडेल वर्ड का मतलब था ट्रस्ट। अभी कैसे पता चलेगा आपको, हाई फाई सुना है ना आप लोगों ने, कभी कभी सुनते हो ना हाई फाई साउंड, हाई फिडेलिटी, हाई ट्रस्ट वर्दी साउंड। तो फिडेलिटी वर्ड का मतलब था ट्रस्ट, इनफिडेलिटी का मतलब था अनट्रस्ट, नॉट ट्रस्ट। टू इंडिविजुअल्स मे पार्ट इफ वन चीट्स बट टू अटैच क्रिमिनलिटी टू द इनफिडेलिटी इज गोइंग टू फार। उसने कहा दो लोगों का अलग हो जाना एक दूसरे को धोखा देकर चीट कर कर इज़ ओके फाइन, उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उसको क्रिमिनलाइज कर देना, उसको दोषी करार कर देना, ये बात। और किस आधार के ऊपर, इनफिडेलिटी, ट्रस्ट नहीं था, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको दोषी नहीं करार, सजा नहीं दे सकते आप उस चीज़ के लिए, स्पेशली कानून नहीं दे सकता। तो इस ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 जो था हमारा इंडियन पिनल कोड का, जिसका जो अडल्ट्री था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भैया ये जो सेक्शन 497 है अडल्ट्री का, ये कमांड नहीं कर सकता मैरिड कपल्स को कि उनको दूसरे के प्रति लॉयल रहना ही लेना है, ठीक है। क्यों लॉयल रहना है, अगर वो गलती से एक दूसरे के ऊपर चीट करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, पिनल पनिशमेंट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये तो जोरदबस्ती नहीं है, इनकी अपनी चॉइस होती है लाइफ की, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, और हम इसमें किसी को भी क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे। कोर्ट ने रीज़न दिया कि ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास जो इस क्लेम को सपोर्ट करे कि अगर हम लोग एडल्ट्री को अबॉलिश करते हैं, जो कि क्राइम है अपने आप के अंदर, तो उसके कारण सेक्सुअल मोरालिटी के अंदर कुछ केओस खड़ा हो जाता है, ठीक है, या फिर डाइवोर्स के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्रिमिनलाइज किया था, लोगों ने अपोजिशन किया था कि भैया आप इसको डिक्रिमिनलाइज कर रहे हो, देखो वो क्या कहते हैं सेक्सुअल मोरालिटी, लोग एक दूसरे के साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ जाएंगे, डिवोर्स के केसेस बढ़ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है, ना इंडिया में ना कहीं बाहर है, और अभी तक भी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। तो जो रिव्यू वगैरह आया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 497 को क्यों हटाया था वो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। सेक्शन 497 सबॉर्डिनेट स्टेट, जो सबॉर्डिनेट स्टेटस होता है ना विमेन का, उसको डिग्निटी डिनाई करता था, सेक्सुअल ऑटोनॉमी नहीं हो पाती थी। अब मेल के पास सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, वो चाहे जो कर सकता है किसी फीमेल के साथ, लेकिन फीमेल नहीं कर सकती है, ठीक है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। सेक्शन 497 बेस्ड ऑन वुमेन एज चैटल, ठीक है, सीक्स टू कंट्रोल सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन। वुमेन की सेक्सुअलिटी को आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर अपना पूरा का पूरा हक है। हिट्स दी ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ वेमेन। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो,
बेसिकली आप कर क्या रहे हो ना यहाँ पर, आप वेमेन को तो एज अ चैटल का मतलब होता है पर्सनल पोजेशन कंसिडर करके चल रहे हो, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाई अमाउंट में हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होता है, जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर जो भी राइट्स हमारे प्रोवाइडेड है ना, वो सारे के सारे वॉयलेट हो रहे थे। अब पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को लेकर क्या जजमेंट दिए थे, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अनटिल और अनलेस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ है। तो आप इन तीन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, जिनका नहीं है उनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। रिव्यू पिटीशन क्या है और कौन इसको और को कब फाइल किया जा सकता है, आर्टिकल 137 याद रखने की चीज़ें नोट डाउन कर लो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपने ही खुद के ऑर्डर और जजमेंट को रिव्यू कर सकता है कि भाई कोई गलती तो नहीं होगी। तो रिव्यू करने का स्कोप क्या क्या होता है, जब भी कोई रिव्यू होता है ना, तो कानून को इस बात की इजाज़त है कि वो नया फ्रेश स्टॉक नहीं लेगा केस का, ठीक है। लेकिन अपनी छोटी मोटी कोई गलतियाँ हो गई थी जस्टिस को कैरी आउट करने में, उनको ज़रूर करेक्ट कर सकता है, छोटी मोटी गलतियों को, लेकिन कोई फ्रेश स्टॉक नहीं लेगा उस केस से रिलेटेड, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने लायक है। कोर्ट के पास पावर है कि अपन रिव्यू करेगा अपनी रूलिंग तो टू करेक्ट अ पेटेंट एरर, वही बात, छोटा मोटा एरर करेक्ट करेगा, लेकिन माइनर मिस्टेक जो कि इनकॉन्सिक्वेंशियल इंपोर्ट में है उनके ऊपर कोई रिव्यू नहीं करेगा वो। अब ये फैक्ट याद रखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का, कि जस्टिस कृष्ण अय्यर ने 1975 में कहा था कि अ रिव्यू कैन बी एक्सेप्टेड ओनली वेयर अ ग्लेरिंग ओमिशन और पेटेंट मिस्टेक और लाइक अ ग्रेव एरर हैज क्रैप्ट इन अर्लियर बाय जुडिशियल फॉलेबिलिटी। जुडिशियल फॉलेबिलिटी मतलब किसी कारण के कारण, किसी फॉल्सनेस गलती के कारण छोटी मोटी पेटेंट मिस्टेक हो गई है, उन्हीं को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे रिव्यू के लिए, हम लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही ऊपर वाला पेंट कि फ्रेश स्टॉक ऑफ केस आप लेके आ जाओगे उसको नहीं लेके चलेंगे हम रिव्यू के अंदर। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीन ग्राउंड्स बताए थे जहां पर वो किसी भी वर्डिक्ट को रिव्यू कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई वर्डिक्ट डिलीवर कर दिया। तो तीन ग्राउंड्स क्या थे, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस, किसी भी केस के अंदर कोई बहुत ही नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस निकल के आया हो, ठीक है, और जिसके कारण जिसकी नॉलेज उस टाइम पर पेटिशनर के पास है, ठीक है ना, लेकिन could not be produced by him, was not within the knowledge of the petitioner, मतलब पहले जो उन्होंने verdict दिया था उस time पर जो petitioner थे उनकी knowledge उस time पर उसके बारे में नहीं थी, लेकिन अब verdict आ गया है, judgment आ गया, अब उसके पास इसके बारे में knowledge है, अब वो produce भी कर सकता है, कोई नया type का evidence है तो review किया जा सकता है, ज़रूर ये possibility है। mistake और error apparent on the face of the record, record वगैरह करते time कोई गलती हो गई हो तो आप review कर सकते हो। and other sufficient reason, इन दो के अलावा कोई sufficient, देखो sufficient word यहाँ bold होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन इन दो रीज़न के अलावा वैसे तो कोई बचता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ही sufficient reason हो सकता है ना इन दो grounds के अलावा तो भी उसको review कर रहा जा सकता है। 2013 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज संदूर मैंगनीज आयरन ओर्स लिमिटेड का केस आया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 प्रिंसिपल्स दिए थे किसी भी रिव्यू को मेंटेन करने के लिए। अब ये आपको केस पता होना चाहिए, ठीक है। अब सिविल कोर्ट के मतलब कोर्ट के अंदर रिव्यू पटिशन फाइल कौन कर सकता है, CRPC जिसको बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द रूलिंग कैन सीक रिव्यू, कोई भी इंसान जिसको उस रूलिंग के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई परेशानी है, कोई मतलब डिसएग्रीमेंट है, वो रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है। However, लेकिन कोर्ट के पास ये एक्सरसाइज है कि टू इट्स डिस्क्रिप्शन टू अलाउ अ रिव्यू पिटिशन ओनली व्हेन इट शोज द ग्राउंड फॉर सीकिंग द रिव्यू, यानी कि अब ये पावर कोर्ट के पास है डिस्क्रिप्शन की कि वो उस रिव्यू को देखेगा या नहीं देखेगा, नज़रअंदाज कर देगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, किस ग्राउंड्स के ऊपर, जो हम लोगों ने ऊपर वाले ग्राउंड डिस्कस किए थे ना, उसको लगता है कि इन सारे ग्राउंड्स को जस्टिफाई कर रहा है ये रिव्यू तो ही उनको आगे लेके बढ़ेगा वो। टाइम पीरियड कब तक फाइल किया जा सकता है, 1996 के रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पटिशन जो है वो वर्डिक्ट निकलने जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना चाहिए, ठीक है। वाइल जजमेंट इज इन द फाइनल डिसीजन इन अ केस एंड ऑर्डर इज एन इंटरिम रूलिंग दैट इज सब्जेक्ट टू इट्स फाइनल वर्डिक्ट, ध्यान से सुनो, जब एक जजमेंट अपने फाइनल डिसीजन में होती है ना, कोई भी केस हो रहा होता है फाइनल डिसीजन हो रहा होता है, तो कोई भी ऑर्डर जो होता है ना उसकी एक इंटरिम रूलिंग होती है उसके फाइनल वर्डिक्ट तक के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे सर्टेन सर्कमस्टांसिस भी होते हैं जहाँ पर कोर्ट ने कंडोन किया, कंडोन मतलब अलाउ किया है कि अगर किसी ने 30 दिन के बियॉन्ड भी रिव्यू को फाइल किया तो कुछ केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है पटिशनर को, अगर उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं अपने डिले को जस्टिफाई करने के, ध्यान रहे अब यहाँ पर आपको अपने डिले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप 30 दिन के बाद इस रिव्यू को क्यों लेके आए हो। प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है, स्टेट के ये रूल्स होते हैं कि जो रिव्यू पटिशन हैं वो ऑर्डिनरी एंटरटेन किए जाते हैं विदाउट ओरल आर्ग्यूमेंट बाय लॉयर्स, लॉयर्स के थ्रू आप उनको
पिटीशन को फाइल करते हो। इट इज़ हर्ड थ्रू सर्कुलेशन बाय द जजेस इन देयर चैम्बर्स। चैम्बर्स जो जजेस के चैम्बर्स होते हैं उनमें सर्कुलेशन हो रही होती है कि चेक करना है कि पॉसिबल होगा नहीं होगा, पॉसिबल होगा नहीं होगा। रिव्यू पिटीशंस आर ऑल्सो हर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस हु डिलीवर्ड द ऑर्डर और जजमेंट दैट इज सॉट टू बी रिव्यूड। मोस्टली केसेस के अंदर जो ये जो रिव्यू पिटीशन होते हैं वो वही जजेस हियर करते हैं जिन्होंने उसकी जजमेंट डिलीवर की थी। अब मान लो वो जजेस की रिटायरमेंट वगैरह हो गई है कि तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट के अपने इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे नीचे वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है, इफ़ अ जज हैज़ रिटायर्ड और इज़ अनअवेलेबल अ रिप्लेसमेंट इज मेड कीपिंग इन माइंड द सीनियरिटी ऑफ द जजेस। सीनियरिटी को ध्यान में रख के हम लोग उसको, अब ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, कहीं कन्फ्यूज कर सकते हैं सीनियरिटी को रिप्लेस करके। अब वो बात करते हैं एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कोर्ट ओरल हियरिंग को भी अलाउ करता है। जैसे 2014 का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने रिव्यू पिटिशंस को जो डेथ पेनल्टी के केसेस थे उसके मामले में ओपन कोर्ट सेटअप किया था 3 जजेस के बेंच का, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन भी इन्होंने बता दिया है कि अगर पिटीशन को हेयर करना है तो उसमें एक्सेप्शन क्या हो सकती है। ये नीचे वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं हमने सारे डिस्कस कर लिए। रिव्यू वर्सेस क्यूरिटी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग बताया था। प्रोसीजर हो गया, हु कैन फाइल हो गया, टाइम पीरियड हो गया, सेक्शन 497 अडल्ट्री हो गया, सेक्शन 137 सुप्रीम कोर्ट की पावर हो गया है। GS2 का टॉपिक ही है अंडर इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। और किस चीज़ के ओकेजन पर लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि रिसेंटली हम लोगों ने 26 जून को सेलिब्रेट किया था। इसकी थीम क्या थी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। एक्शन प्लान के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स किए जाएंगे। सेकंड, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कैंपसेस और स्कूल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। कम्युनिटी का आउटरीच और उसके बाद जो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनके उनका आइडेंटिफिकेशन। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर फोकस करना हॉस्पिटल सेटिंग्स में। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, इसका फोकस होगा 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और ये 3 प्रॉन्च अटैक में होगा। अब प्रॉन्च अटैक के मतलब क्या होता है कि नुकीला तेज धारदार अटैक किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कंबाइंड एफर्ट होंगे नारकोटिक्स ब्यूरो के, आउटरीच और अवेयरनेस होगी सोशल जस्टिस के द्वारा और ट्रीटमेंट किया जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। डी एडिक्शन फैसिलिटीज सेटअप की जाएंगी, ड्रॉप इन सेंटर्स होंगे एडिक्ट्स के लिए, जहां पर पीयर लेड कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे हाई रिस्क पॉपुलेशंस के लिए, पर्टिकुलरली उसमें यूथ की बात की जा रही है। इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स IRCS जो होते हैं, इनका फंक्शन होगा कि ये रीच आउट करेंगे कम्युनिटी को और हेल्प करेंगे उन लोगों की जो ड्रग के लिए एडिक्टेड हैं। की फैक्ट्स की बात कर लेते हैं अब हम लोग, ये नोट करने वाली चीज़ें हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आइडेंटिफाई किए हैं 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो कि मेजरली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर सेंटर ने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो ड्रग अब्यूज़ से हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, ध्यान रहे 272। नशा मुक्त भारत कैंपेन को ओरिजिनली 2015 में शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में शुरू किया था। नेशनल लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा जो मोस्ट अफेक्टेड हैं इस सब्सटेंस के अब्यूज़ से, वो 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22 में से पंजाब के, जहां पर NCB ने जो आइडेंटिफिकेशन किया था। इसके अलावा 10 हैं हरियाणा के 22 में से। ज़रूरत क्या है, नीड फॉर 850,000 इंडियंस इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स, उसमें से 460,000 चिल्ड्रन और नहीं उसमें से नहीं और 460,000 चिल्ड्रन एंड 1.8 मिलियन अडल्ट्स हैं जिनको इनहेलेंट डिपेंडेंस के ऊपर, इनहेलेंट मतलब होता है ना ड्रग को इनहेल करना, उसके रिगार्डिंग हेल्प की ज़रूरत है और 7.7 मिलियन इंडियंस को ज़रूरत है ओपियोइड डिपेंडेंस के ऊपर। ओपियोइड मतलब नशीले पदार्थ ही होता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ इलिसिट ट्रैफिकिंग की डेट एंड थीम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। IRCS बता दिया है, उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। UNODC क्या होता है और नेशनल सर्वे ऑन द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडियन हाइलाइट्स इन इंडिया, उसके हाइलाइट्स बताने हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। UNODC मुझे इनसाइट की पुरानी न्यूज़ में मिल गया था तो इसके बारे में देखो। UNODC की फुल फॉर्म आप लोग एक बार जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था, मर्ज किया गया था किस किस को, यूनाइटेड नेशंस के ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम को और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन को। UNODC एक ग्लोबल लीडर है इलिसिट ड्रग्स और इंटरनेशनल क्राइम से फाइट करने के लिए। बेसिकली इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वॉलेंट्री होता है गवर्नमेंट की तरह से ही, 90% जो इसका बजट होता है सारा का सारा वॉलेंट्री करती है गवर्नमेंट से।
UNODC इज मैंडेटेड टू असिस्ट द मेंबर्स, यानी कि जो भी इसके मेंबर स्टेट्स होते हैं उन सबको इलिसिट ड्रग्स, क्राइम और टेररिज्म से फाइट करने के लिए ये हेल्प करता है। तीन पिलर हैं UNODC के वर्क प्रोग्राम के, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है फील्ड बेस्ड टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स टू काउंटरैक्ट इलिसिट ड्रग्स, क्राइम्स एंड टेररिज्म, यानी कि ड्रग, क्राइम और टेररिज्म से फाइट करने के लिए फील्ड के ऊपर जो टेक्निकल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम रन करने हैं, मिनिस्ट्री की हेल्प चाहिए, या फिर उनको आइडेंटिफाई करना है, मेडिकल स्टोर से पता करना है, या फिर कोई क्राइम होता है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर क्राइम भी बहुत हो रहे होते हैं, तो ऑन फील्ड उसका टेक्निकल कोऑपरेशन चाहिए, पुलिस की हेल्प लेना चाहेंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की हेल्प लेंगे। रिसर्च और एनालिटिकल वर्क इन नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और ड्रग्स एंड क्राइम्स के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम अपने एविडेंस बेस को इंक्रीज कर सकें, सो दैट हमारे पॉलिसी और हमारे जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं वो बहुत ही अप टू द मार्क और एफिशिएंटली काम करें। नॉर्मेटिव वर्क टू असिस्ट द स्टेट्स इन द रेटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेलिवेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़, द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन ऑन ड्रग्स, क्राइम्स एंड टेररिज्म एंड प्रोविजन, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि ड्रग्स के और क्राइम से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उन सब का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स के अंदर हो, कंट्रीज़ में हो, उनके अपने विदिन जो प्रोविंसेज होते हैं वहाँ पर हो, प्लस में कंट्री अपने आप ही लेजिस्लेशन सेटअप करे, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन सेटअप करे, कंट्री अपने विद इन रूल्स बनाए, प्रोटोकॉल्स बनाए, थोड़ा सा पनिशमेंट उनके लिए रखें, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स दें, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। ये होगा UNODC। अब मैं आपको बताने वाला था नेशनल सर्वे ऑन द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया की रिपोर्ट के हाईलाइट, यानी कि मेजर फाइंडिंग्स की हम बात करेंगे। इस सर्वे के अंदर ये पता चला था कि 14.16% जो लोग हैं एज ग्रुप 10 से 75 साल के, ठीक है, और उसमें 16 करोड़ लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल। समझ में आ गया आपको? प्रेवलेंस ऑफ द अल्कोहल कंजप्शन इज 17 टाइम्स हायर अमंग मैन देन वुमेन, यानी कि फीमेल से ज़्यादा मेल का कंजप्शन होता है अल्कोहल का। कंट्री लिकर जो कि 30% है और स्पिरिट्स IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर 30% है, ये प्रीडोमिनेटली कंज्यूम की जाते हैं एज बेवरेजेस इंडिया। बेवरेजेस का मतलब होता है हॉट या कोल्ड ड्रिंक। अब टी इज ऑल्सो अ बेवरेज और कोल्ड कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर ऑल्सो बेवरेज। हॉट या कोल्ड ड्रिंक को बेवरेज बोला जाता है। 5.2% ऑफ द इंडियंस, विच इज़ 5.7 करोड़ के आसपास लोग, एस्टिमेट किया गया है कि वो अफेक्ट हो जाते हैं हार्मफुल और डिपेंडेंट अल्कोहल यूज़ के कारण, तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास लोग। एवरी थर्ड अल्कोहल यूज़र इन इंडिया नीड्स हेल्प, हर एक तीसरे इंसान को जो शराब पीता है, अल्कोहल का कंजप्शन करता है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। हेल्थ इशू हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं और मेंटल इशूज़ हो सकते हैं, हर चीज़ में उनको हेल्प चाहिए होती है। स्टेट्स जिनकी बहुत ही हाई प्रेवलेंस है इंडिया के अंदर अल्कोहल के मामले में, आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, वो स्टेट्स जिनकी हाई प्रेवलेंस है मोर देन 10% ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो ये एक नया फैक्टर यहाँ पे। त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, कॉमन में कौन सा आ गया है, देखो छत्तीसगढ़ आ गया, त्रिपुरा आ गया, पंजाब आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, गोवा और ये गोवा एक थोड़ा सा इसमें नया है ऊपर वाले में, अदरवाइज़ ये जो स्टेट्स हैं ना इनके नाम आप याद रखो, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ये बड़े कॉमन है अल्कोहल के अंदर, सबसे ज़्यादा हाई प्रेवलेंस इन स्टेट्स में। 2.8% इंडियंस जो कि 3.1 करोड़ के आसपास होते हैं, रिपोर्टेड ऑफ हैविंग यूज्ड एनी कैनबिस प्रोडक्ट विद इन द 12 इन द पास्ट, पिछले 12 महीनों के अंदर तकरीबन 2.8%, यानी कि 3 करोड़ के आसपास लोगों ने किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जैसे कि भांग, गांजा, चरस, इन सब का इस्तेमाल किया था, परसेंटेज और ये काउंट आप यहाँ से लिख सकते हो, ये डाटा अच्छा है, आप नोट डाउन कर लो। 0.66% इंडियंस जो कि 72 लाख के आसपास बनता है, उनको कैनबीज़ के यूज़ के प्रॉब्लम के, कैनबीज़ के जो यूज़ होता है ना उससे के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब में हेल्प की रिक्वायरमेंट है। भांग यूज़ इज़ मोर कॉमन देन गांजा चरस, प्रेवलेंस ऑफ हार्मफुल डिपेंडेंट यूज़ इज़ प्रोपोर्शनली हायर, कहना चाह रहा है भांग का यूज़ ज़्यादा होता है चरस और गांजा से, लेकिन जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो गांजा और चरस के ज़्यादा होते हैं, तो ये इस रिपोर्ट का, सर्वे का रिजल्ट था। GS2 का ही हमारा टॉपिक है, अंडर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस इन बॉर्डर क्लेम्स री इमेजिनिंग साउथ एशियाज बाउंड्रीज। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, बेसिकली हमें स्टेट सेंट्रिज्म का प्रिंसिपल क्या है, ये सिद्धांत क्या होता है वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी गिवन स्टेट होता है ना उसका स्ट्रक्चर, मान लो इंडिया की बात कर रहे हो, पूरे का पूरे इंडिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें सरकार,
सेंट्रल गवर्नमेंट, सोल प्रोपराइटर होती है, आर्बिट्रेटर होती है डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए। इवन अगर कोई ऐसा आता है कि मान लो किसी बाउंड्री के ऊपर भी अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो रहा होता है ना, रीजनल ग्रुप्स का भी हो रहा होता है या फिर बॉर्डर के लिमिट्स के ऊपर भी हो रहा होता है, स्टेट सेंट्रिक जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नोडल एजेंसीज कह सकते हो आप उनको, वही सोल आर्बिट्रेटर होती है, यानी कि उसी की मनमानी चलती है, उसी के डिसीजन फाइनल कंसिडर किए जाते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक स्टेट ही होता है, यानी कि देश ही होता है, जो कि आर्टिकुलेट, डिफाइन और रिप्रेजेंट करता है नेशन, यानी कि देश के हित की बातें, किसी भी दूसरे साथ के देश के साथ अगर नेगोशिएट करना है तो। सिंपल सी बात है बट इंटरेस्टिंग बहुत है और काम की बहुत है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत ऐड करना इसमें, सिंपल भाषा में ही इसको समझना। अब इशू क्या है, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात कर रहे थे हम लोग काला पानी के ऊपर, काला पानी के ऊपर, तो कहा जा रहा है कि वो हैंडल किया जा रहा है, एड्रेस नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर हम साउथ एशियन जो स्टेट क्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, हमको करना तो चाहिए इसको एड्रेस, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक स्टेट सेंट्रिक पैराडाइम है, ठीक है। स्टेट सेंट्रिक पैराडाइम में इश्यूज़ क्या होते हैं, जो लोग डिस्प्यूटेड रीजन्स में रह रहे होते हैं बॉर्डर्स वगैरह के पास, उनके इमोशंस को हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे होते हैं। उनके इमोशंस बहुत सारे हो सकते हैं, बाउंड्री के साथ हो सकते हैं, लैंड के साथ हो सकते हैं, लैंड की उस साइड वाला, जैसे अभी नेपाल के अंदर रिसेंटली मधेसीज वाला सीन हुआ था, उन्होंने वहाँ पर कुछ अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी थी सिटीजनशिप की, तो जो बॉर्डर के पास लोग रहते थे वहाँ पे इंडिया के अंदर, जो लोग शादी वादी करते थे बिल्कुल बॉर्डर के पास, अब उनके बीच एक उनका एक इमोशनल कनेक्ट रहता था, लेकिन आपने सिटीजनशिप के रूल चेंज कर दिए, अब वहाँ प्रॉब्लम हो गई है। वो ये कहना चाह रहे हैं कुछ टेरिटोरियल बाउंड्रीज है ना, उनको हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन वहाँ रहने वाले लोग, उनका जीवन व्यापन कैसे हो रहा है, उनका वेलबींग है या नहीं है, ठीक है। स्पेशली जो एजेस के ऊपर हैं जितने भी नेशन के, उनको हम इतना ढंग से वैल्यू नहीं देते, उनके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। जो हम भूल गए हैं वो क्या है, व्हाट वी फॉरगॉट इज कंट्रीज इज कंट्रीज हेयर नॉट ओनली शेयर कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड्स बट ऑल्सो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पोरस बॉर्डर। ध्यान रहे पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस अगर आप किसी पोरस शीट की बात करते हो, यानी कि उस शीट में से हवा पानी पास हो सकता है, तो ऐसे पोरस बॉर्डर जहाँ से लोग पास हो सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑफिशियली हमारे बॉर्डर सारे के सारे पोरस ही है मोस्टली, ठीक है। तो हम लोग ये बात ना भूलें कि यार हम लोग सिर्फ और सिर्फ कल्चर और सिविलाइजेशन बैकग्राउंड ही शेयर नहीं करते हैं, हमारे बॉर्डर भी ऐसे ही हैं, वहाँ पर भी सब कुछ शेयरिंग अलाउड है एक्चुअल में। देर आर नॉट एवरीवेयर वी हैव फिक्स बॉर्डर्स। ज़रूरत क्या है, साउथ एशिया को परहैप्स जो मोस्ट नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग है वर्ल्ड की, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और कंटेस्टेड ग्रुपिंग भी यही है, क्योंकि साउथ चाइना सी की आप बात कर लो, इंडिया वाले लैंड की बात कर लो, चाइना जहाँ जहाँ पर भी सारे के सारे डिस्प्यूट जो है ना, सबके सबके चाइना के साथ है मेजरली डिस्प्यूट। हार्डली आपको किसी और कंट्री के इतने डिस्प्यूट दिखाई देंगे, लेकिन चाइना जहाँ पर है वहाँ पर हर जगह आपको डिस्प्यूट दिखाई देगा। साउथ एशिया को इस बात को रीथॉट करने की ज़रूरत है, ठीक है, नॉट एज रीजन ऑफ स्टेट्स लेकिन एज अ रीजन ऑफ द रीजन्स, इसी बात के मारे। तो ये देखो, इस टॉपिक में ऐसा कुछ डिटेल में टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं पढ़ पढ़ के बोलने वाली। एक ऐसा लैंड जहाँ पर कॉन्टैक्ट जोन्स होते हैं, वहाँ पर वी शुड एग्जिस्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज शेयर्ड बाई मेंबर स्टेट्स, यानी कि जहाँ पर लैंड कॉन्टैक्ट में, आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो, इंडिया नेपाल की बात कर लो, इंडिया बांग्लादेश की बात कर लो, वो ये कहना चाह रहा है जहाँ कॉन्टैक्ट जोन्स है वहाँ पर हम रादर देन टेरिटोरियल बाउंड्री क्या है उसके बियॉन्ड हमको सोचना चाहिए कि हम लोग मेंबर्स हैं, हम लोग एक लैंड के मेंबर्स हैं, ठीक है, और हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमें एज अ शेयरिंग मेंबर स्टेट्स की तरह ही बिहेव करना चाहिए। देर इज़ अ नीड टू गो बियॉन्ड द पॉपुलर डिबेट्स। हर बार जो पॉपुलर डिबेट्स होती है ना ट्रबल की, कि किसने कितना इनको एरिया इनक्रॉच कर लिया, छीन लिया, कितना कब्जा कर लिया, उस तरह के सवालों के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है हमको। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन जोन्स के अंदर जो लाइवलीहुड होती है, जो लोग यहाँ रह रहे होते हैं, उनके हित के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इन अ सर्टेन केस द पीपल लिविंग एट द एजेस ऑफ द नेशन स्टेट्स विद इन साउथ डू नॉट एक्चुअली बिलोंग टू एनी ऑफ द नेशन स्टेट्स। वो ये कहना चाह रहा है एक्चुअल में जो लोग इस तरह के बॉर्डर पर रहते हैं वो एक्चुअल में किसी जगह से बिलोंग करते ही नहीं है, ना वो इस स्टेट के ना उस स्टेट के। बहुत सारे बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पर एक घर के बीच में से भी लाइनें पास कर रही है बॉर्डर की, ठीक है। इवन इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कैसे एक बिल्डिंग पड़ती है, आप लोगों ने शायद वो विद्या बालन की मूवी देखी भी होगी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो जो एक जो भी वो घर वगैरह बना रखा था वो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री के बीच से गुजरता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो दोनों स्टेट्स को बिलोंग करते हैं उसी समय पर, ठीक है, या तो किसी को बिलोंग नहीं करते या फिर वो दोनों के दोनों को बिलोंग करते हैं। Plurality, differences or inclusivity, it brings coherence to the borderland ontology. Ontology का मतलब समझो यहाँ पर, ontology का मतलब होता है science of being, existing, ठीक है ना। तो plurality होती है, differences भी होते हैं, plus inclusivity भी होती है, इसी के कारण एक तालमेल बैठता है, ठीक है, एक existence के अंदर being का। देखो humans ही होते हैं जिनके बाद being लगता है, because they can be,
एनिमल्स के बाद बींग वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दे डिफाई द लॉजिक ऑफ सिंगुलर, कि वो एक नहीं है, वो अलग अलग है, प्लूरल है, वो बहुमत में है, बहुवचन भी कह सकते हो आप इसको, यूनिफाइंग एक साथ भी है, और एक्सक्लूसिव आइडेंटिटीज़ हैं जो भी नेशन स्टेट्स हैं वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर उनकी। ज़रूरत क्या है वे हेड की बात करें तो इंडिया और नेपाल दोनों को ही, साउथ एशियन कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो ये भी जितने रीजन ऑफ रीजन के जो डिस्प्यूट्स हैं इनके बारे में दोबारा से सोचें, एक नई लैंग्वेज रीजनल कोऑपरेशन के बारे में सोचें, ठीक है। और ये सिर्फ मटेरियलिस्टिकली सोचने की ज़रूरत नहीं, इसके बियॉन्ड जाने की हमको ज़रूरत है। रीजन और रीजनल आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ रियल पॉलिटिक्स के इश्यूज़ नहीं है साउथ एशिया के अंदर, रादर देर इज़ अ नीड कि हम ऑफिशियली इस बात को अकोमोडेट करें रादर देन नेचुरली ड्राफ्टेड अवे डूइंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स करने के अलावा हम लोगों को एक्चुअल में ये सब जानने समझने की ज़रूरत है कि हम लोग जेन्युइनली साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स के बारे में कंसर्न हैं। सिंपल टॉपिक है, आई थिंक एक बार आप खुद भी रीडिंग दे दोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, इतना एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, बट स्टिल आई डिड दैट। GS3 का हमारा टॉपिक है अंडर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। ये टॉपिक ना मैं कई बार आपको इन बिटवीन समझा सका हूँ, इसके अंदर जो भी गिवन है एक दो चीज़ें नहीं है, तो इस वाले को मैं थोड़ा सा फास्टली कवर करूँगा, ध्यान रहे। MSMEs की जो नई रिसेंटली जो एक नोटिफिकेशन आई थी वो जुलाई 1 से स्टार्ट हो जाएगी। पहली बात ये है, MSME होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। MSMEs को अब से उद्यम रेफर किया जाएगा और पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा MSME के अंडर उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से बुलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन खुद कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अब नेसेसरी नहीं है। आपको बेसिक क्राइटेरिया MSME के क्लासिफिकेशन का ये है, इन्वेस्टमेंट प्लांट में कितनी है, मशीनरी कितनी है, इक्विपमेंट कितना है और टर्नओवर कितना है, ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है। एक्सपोर्ट वगैरह जो गुड्स और सर्विसेज का होता है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। जो भी टर्नओवर होगा एंटरप्राइज का उसमें से चैंपियंस कंट्रोल रूम सेटअप किए जाएंगे, ठीक है, जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ पिछले न्यूज़ में भी और आगे भी मे भी आता रहेगा। डेफिनेशन हम लोगों ने चेंज कर ली थी, पहले क्या होता था मैन्युफैक्चरिंग अलग हुआ करता था और सर्विसेज अलग होता रहा, अब हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को मर्ज कर दिया और उसके अंदर कैटेगरी ऐसे डाल दिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से। माइक्रो के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जो 1 करोड़ तक का होना चाहिए, टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ तक का, वो कैटेगरी माइक्रो में आएगी। स्मॉल एंटरप्राइजेज वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का होता है और टर्नओवर होता है 50 करोड़ तक का। मीडियम एंटरप्राइजेज वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होता है 50 करोड़ तक का होता है और टर्नओवर जो होता है 250 करोड़ तक का। ये आपको सच में याद होना चाहिए, नई डेफिनेशन आई है, एग्जाम में आने के हाई चांसेज हैं। तो अभी जो नए मेजर्स और इम्प्लीकेशंस वगैरह लगाए गए उनका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो हमारे जो MSMEs का काम करने का तरीका है ना वो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। ग्लोबली हम लोग कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा न्यूअर एंटरप्राइजेस एंटरिंग द फ्रे, यानी कि जो अस्त व्यस्त थे ना हमारी सारी की सारी मैनेजमेंट, वो सबको ठीक किया हम लोगों ने। कुछ स्टिमुलस पैकेजेस हम लोगों ने लगाए हैं ताकि हम लोग जो अपनी इकोनॉमी की जो वी शेप्ड रिकवरी है, वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या होता है कि ये आपका ग्राफ होता है मान लो, ठीक है, आपकी रिकवरी मैं आपको दोबारा थोड़ा दिखाता हूँ, ये आपका ग्राफ है। आपकी जो इकोनॉमी थी वो मान लो ऐसे ऐसे चल रही थी लेकिन सडनली नीचे स्लंप में आ गई, अब यहीं से इसको वी शेप की रिकवरी देनी है, यहाँ से सीधी उठ के आएगी दोबारा, ठीक है, फिर आगे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से रिकवरी देनी है इकॉनमी, तो उसके काम उसके उसी के लिए हमारे MSMEs जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इस पैंडमिक के अंदर और उसको कंट्रोल करने के लिए। MSMEs का ये डेटा बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा। 63.4 मिलियन यूनिट्स हैं थ्रू आउट द ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द कंट्री। इसमें MSME कितना कंट्रीब्यूट करता है, 6.11%। ये पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन प्लीज़ इसको नोट डाउन कर ले, डेटा बहुत काम का है, नोट डाउन। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग GDP उसका 6.11% कंट्रीब्यूट करता है। 24.63 जो है वो GDP का सर्विस एक्टिविटीज़ में होता है, एज वेल एज इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करते हैं तो 33.4%। दे हैव बीन एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, ठीक है ना। और ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करते हो 45% उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। 20% जो MSEs हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर हैं जिसके कारण सिग्निफिकेंट रूरल वर्कफोर्स है, वो भी MSME सेक्टर का पार्ट बनी हुई है। एडिशनल फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल MSME डे जो था वो 27 जून को सेलिब्रेट किया गया था। थीम थी COVID-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन है SDGs ऑन MSMEs, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो MSME से कनेक्टेड है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना ये 17 गोल्स है टोटल, ठीक है, और 2015 से लेके 2030 तक हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर बेसिकली नीति आयोग इनको हैंडल करता है, नीति आयोग की जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशंस का क्राइटेरिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, नो पॉवर्टीज। MSMEs हेल्प रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन ऑल एजेस लिविंग। यार ये बहुत सिंपल पॉइंट है, पता है इसमें याद करने का एक्चुअल में क्या है, आपको याद करने का याद है कि MSME के हिसाब से ना 1, 2, 4, 5
8, 9, 10, 12, 17 ये नंबर याद कर लो। और इनके नाम तो खैर आपको याद होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 ही हैं, मगर इनमें कुछ भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्री की बात में इनोवेशन को ड्राइव करेगा, गैप्स फिल करेगा, तो ये आपको एक्चुअल में याद होना चाहिए। मतलब इसमें कुछ भी पढ़ूंगा नया बता एक्सप्लेन करने का नहीं है इसमें, एक्सप्लेन जो याद करने की चीज़ें वो ये है, आप ये नंबरिंग और इनका ये टाइटल याद कर लो, ये MSME के रिगार्डिंग कौन से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो ये सच में बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। किसी भी आंसर में मतलब पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो उसके ऊपर बेस्ड आप। GS3 का हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक अंडर अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में बात करते हैं। 29th जून को हर साल मनाया जाता है और प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस, उन्होंने स्टैटिस्टिकल सिस्टम, और ये ना मैंने थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें कभी ठीक हो ही नहीं पाता है, मैं मतलब जब भी पढ़ा है ना ये तो मैं प्रोफेसर चंद्र ही पढ़ दूंगा, प्रशांत चंद्र पढ़ दूंगा, आप समझ जाना कि मैं किन के बारे में बात करता हूँ, महल बोल देता हूँ चलो ठीक है, आप समझ जाना महल के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें सेट नहीं हो पा रहा, मैंने बहुत कोशिश की थी। तो स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इस बार का जो ये डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था उसकी थीम जरा जान लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना यूज़ हो रहा है रिसेंटली, कितनी जगह हम लोगों ने पढ़ा है। 3 के अंदर होता है हम लोग इंश्योर करें हेल्दी लाइफ, प्रमोट करें वेलबींग फॉर ऑल एट द ऑल एजेस। 5 के अंदर होता है अचीविंग ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वेमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो 5 वाला आपको जरूर पता होना चाहिए, 3 तो आपको इजीली याद रह जाएगा। अब प्रोफेसर महल के बारे में, सॉरी प्रशांत महल के बारे में हम लोग 1893 से लेकर 1972 के उनके थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। उनको चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम का, एज वेल एज ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस इन इंडिया। उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में 1931 में एस्टैब्लिश किया था, और द इंस्टीट्यूट ने एक जर्नल स्टार्ट किया था सांख्य, ठीक है, जिसका कार्ल पियर्सन्स की जो बायोमेट्रिका थी उसी के लाइंस में था, उसी के ऊपर था वो। 1959 के अंदर इन्होंने इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। उन्होंने हेल्प की थी क्या एस्टेब्लिश करने में, CSO विच इज़ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैम्पल सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तीनों को एस्टेब्लिश करने में उन्होंने बहुत हेल्प की थी। उन्होंने 3 की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे थ्योरी और प्रैक्टिस में, जो कि सैम्पल सर्वेज के होते हैं, जैसे पायलट सर्वे हो गया, ऑप्टिमम सर्वे डिज़ाइन, इंटरपेनेट्रेटिंग नेटवर्क, सैम्पल सब सैम्पल टेक्निक्स IPNS वगैरह, और प्लस में वो यूनाइटेड नेशंस के सब कमीशन जो कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है उसके चेयरमैन भी थे। सो ही वॉज डेफिनेटली अ वेरी वेल नॉन रिनाउंड पर्सनैलिटी। 1936 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टैटिस्टिकल मेजर, जिसका नाम दिया गया था महालनोबिस डिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है क्लस्टर एनालिसिस और क्लासिफिकेशन टेक्निक्स में। महालनोबिस मॉडल के ऊपर हम लोगों ने सेकेंड 5-year प्लान भी बनाया था, जिसका मेजर काम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आता रहता है एग्जाम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स से। एंथ्रोपॉज क्या होता है, ठीक है, ये अंडर आता है कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज के अंडर। एंथ्रोपॉज को हम लोग ग्रेट पॉज भी बोलते हैं, ठीक है, और ये टर्म किसने दिया था, UK के रिसर्चर्स ने, ठीक है। अभी इसको कैसे रेफर किया जा रहा है, कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन पीरियड, ये जो समय बीत रहा है ना, प्लस इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी स्पीशीज़ के ऊपर, इसी को बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपॉज। मतलब ग्रेट पॉज होता है वैसे तो, लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो ये पॉज चल रहा है, ये सब सारी मूवमेंट जो एक्टिविटी रुक गई है उसके कारण स्पीशीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हाउ ऑल दोज कर्व्स इम्पोज ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू अनयूजुअल एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर का ऐसा आप लोगों को इंडिया में पता होगा, कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स एनिमल स्पीशीज हमको देखने को मिले थे रिसेंटली, बहुत सारी न्यूज़ आई थी। तो उन्होंने कहा कि चिली के सेंटियागो, चिली आपको पता है ना मैप के अंदर, साउथ अमेरिका अर्जेंटीना के साइड में, पतला सा एक अर्थवर्म जैसी कंट्री है, मतलब मैप पे उनकी शेप अर्थवर्म जैसी है, वैसे नहीं है, और उसके वेस्ट साइड के अंदर पैसिफिक ओशियन है। अब इन चीज़ों को ना मैप पे देखना तो खैर ज़रूरी है, आपके सामने टेबल पे मैप रखा है उस पर देखो, बट इमेजिन करो जब मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू विजुलाइज कि चिली की बात कर रहे हैं, साउथ चाइना साउथ अमेरिकन कंट्री है, और नीचे की तरफ है अर्जेंटीना के वेस्ट साइड में है, और चिली के वेस्ट साइड में जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वो है, प्लस चिली का जो मैप है वो एक अर्थवॉर्म की तरह है, पतला सा लंबा सा, ठीक है। तो सेंटियागो के अंदर हम लोगों को पुमास देखने को मिले थे, ठीक है। तेल अवीव इसराइल का आपको एरिया पता है, मिडल ईस्ट के अंदर, इसराइल नाम से याद आ गया होगा तेल अवीव। यहाँ पर हम लोगों को जैकाल्स देखने को मिले थे। इटली के वाटर्स में हम लोगों ने डॉल्फिन्स देखे थे, ठीक है। थाईलैंड के स्ट्रीट्स के ऊपर मंकी की फाइट देखने को मिली थी। तो इंडिया तो बाहर के इंटरनेशनल एग्जाम्पल है, इंडिया में आप लोगों को सब पता है, आप लोगों ने न्यूज़ में कितना कुछ देखा होगा।
अब इस पीरियड को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है? एज अ रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन नेचर ने थोड़ा सा चेंज दिखाया है, स्पेशली अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। वहाँ पर या तो पहले कभी एनिमल थे या नहीं थे, लेकिन अब कुछ अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स वहाँ पे हैं। दूसरी साइड कुछ एनिमल्स जिन्होंने जो लॉकडाउन के अंदर जिनके लिए लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो गई, उनके बारे में थोड़ा सा बात करें। जैसे बहुत सारे अर्बन ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, रैट्स, गर्ल्स, मंकीज, इवन डॉग्स, कैट्स वगैरह, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं जो भी डिस्कार्डेड फूड होता है ना ह्यूमंस वगैरह का, उनके ऊपर। अब लॉकडाउन के अंदर इनकी लाइफ जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो गई थी। रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि इस पीरियड को स्टडी करने से ना वैल्यूएबल इंसाइट मिलते हैं, जो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी के अंदर। प्लस इट इज़ वेरी यूजफुल टू प्रिजर्व द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड प्रेडिकेटिंग द ग्लोबल जूनोसिस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। जूनोसिस क्या होता है? देखो, जूनोसिस वो डिजीजेज होती हैं, बेसिकली जूनोटिक डिजीजेज, जो एनिमल से ट्रांसफ़र होके और ह्यूमन बींग्स में आ जाती हैं। ये आपको वर्ड से पता होना चाहिए। लोकेट करने हैं तेल अविव सेंटियागो थाईलैंड में। कह रहा हूँ लोकेट मत करो, विजुलाइज़ करो। आपके टेबल के सामने मैप रखा हो, उसमें देख लो और विजुलाइज़ करके याद रखो, एक ही बारे में याद हो जाएगा। डॉल्फिन स्पीशीज़ इन इंडिया एंड देयर हैबिटेट्स। यार, इसके बारे में ना मैंने अभी जब आपको दिखाने के लिए जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ना ये मैं आपको विकीपीडिया या फिर वैसी वेबसाइट का पेज भी मिला था, उस पर ना उतना अच्छा क्लासिफिकेशन था नहीं। पर इसके बारे में रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी, भागलपुर के अंदर एक डॉल्फिन की लेबोरेटरी भी स्टार्ट हुई है। तो मैं आपको ना रेफर करूँगा, आप स्टडी आई क्यू पर जाना, उस पर लिखना भागलपुर डॉल्फिन लेबोरेटरी। उस डॉक्टर महिपाल राठौड़ की ना एक वीडियो है, उन्होंने ना डॉल्फिन के बारे में रिसेंटली बहुत कुछ अच्छा अच्छा बता रखा है। तो मैं आपको वहीं पे रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ वहाँ जाके देख लो, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं उतना अच्छे से इसको ना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वेबसाइट्स के ऊपर इतना डिटेल में अच्छा डेटा नहीं दे रखा है अभी। एंथ्रोपोस क्या है, कॉइन किसने किया था, यूके के रिसर्चर्स ने, जूनोसिस क्या है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है जी। 30th जून के हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। ज़ीलैंडिया वर्ल्ड बैंक स्टार प्रोजेक्ट इन 24 आवर्स, पैलेस्टीन फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज PM FME स्कीम, 59 चाइनीज ऐप्स बैंड और लेजिटिमेट कंसर्न ऑन लॉ एंड ऑर्डर इन नागालैंड। GS पेपर 1, टॉपिक्स कवर्ड अंडर ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज़ीलैंडिया रिसर्चर्स GNS साइंस के न्यूजीलैंड में, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने ज़ीलैंडिया का शेप और साइज़ जो है वो मैप कर लिया है इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो 2017 के अंदर साइंटिस्ट ने कन्फर्म कर दिया था कि एक 8th कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ज़ीलैंडिया, और ये न्यूजीलैंड के नीचे है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूँ यहाँ पर, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है ना न्यूजीलैंड का, एक्चुअली ये अभी एग्जिस्टिंग लैंड है। इसके नीचे जो ब्राउन पार्ट है ना, ये नीचे है सरफेस में, सबमर्ज्ड है ओशियन के अंदर, ठीक है। इसी के बारे में, इसी को ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया है। 94% जो ज़ीलैंडिया का है, जिसका एरिया 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के आसपास है, वो अंडर वाटर है, और उसकी मैपिंग करना बहुत चैलेंजिंग है। ये पास्ट में था, अभी रिसेंटली इसकी मैपिंग हो चुकी है। ज़ीलैंडिया का जो एरिया है ना, वो 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स का है, दैट इज़ 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट हाफ साइज़ का है। सिर्फ 6% इस कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वो अबव सी लेवल पे है, उसको ही हम न्यूजीलैंड बोलते हैं। दैट पार्ट अंडरपिंस न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स हैं, और जो आइलैंड ऑफ न्यू कैलेडोनिया, ये वो 6% में आता है। लेटेस्ट मैप जो है वो डिपेक्ट करता है उसकी कोस्ट लाइन, उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स क्या हैं, और जो मेजर अंडर सी फीचर्स हैं वो सारे के सारे। ये जो प्लान इनिशिएटिव है, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया था कि पूरे के पूरे ओशन को हम लोग 2017 से लेकर 2013 तक मैपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 3 साल के अंदर इन्होंने 19% अप्रॉक्स मान के चलो कि 20% ओशन की मैपिंग कर ली हैगी, ठीक है। तो कितना मान के चलते हैं, 1/5 हो चुका है हमारा, 4th फेज अभी पेंडिंग है। 2030 तक ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने ज़ीलैंडिया का मैपिंग कर लिया है। इस मैप ने रिवील किया है कि जो ज़ीलैंडिया है वो कुछ वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, विच आर बींग पुश्ड अंडर दी अदर पार्ट्स इन ए प्रोसेस, जिसको हम सबडक्शन बोलते हैं, ठीक है, एंड हाउ क्विकली दैट मूवमेंट इज़ हैपनिंग। तो जितने भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट वगैरह, ये सब इस मैप के अंदर हम लोगों ने बहुत ईजिली स्टडी कर ली है। अब ज़ीलैंडिया इवॉल्व कैसे हुआ था, देखो गोंडवाना आपको पता ही है, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तब बना था। फिर जो पेंजिया था ना, अर्थ का जो एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिना, वो स्प्लिट हुआ था जब 2 फ्रेगमेंट के अंदर, तब हमारा गोंडवाना बना था। तो एक था लोरेशिया, एक था गोंडवाना। लोरेशिया बन गया फिर हमारा यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। गोंडवाना जो था वो थोड़ा सा साउथ में डिस्पर्स हो गया, और आज के दिन जो अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि जो अपर रीजन था वो लोरेशिया बन गया, और नीचे वाला था वो गोंडवाना बन गया। तो इंडिया किससे निकल के आया, इंडिया निकल के आया है
गोंडवाना से ही, क्योंकि हम लोग अफ्रीका से निकल के आए थे ना उसके बाद में। फर्दर इसके बाद जो जियोलॉजिकल फोर्सेस थी उन्होंने वो कंटिन्यू हुई, रीअरेंजमेंट चलता रहा और ज़ीलैंडिया जो था वो अंडर वेव्स चला गया, ठीक है। 30 मिलियन से 50 मिलियन ईयर्स के बाद जब ये टूट गया था गोंडवाना से, जो कि लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट थी पैसिफिक प्लेट की, स्लोली स्लोली ये उसके अंदर सबडक्ट होता चला गया। हमको यहाँ पर प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। पेंजिया, गोंडवाना, लोरेशिया के बारे में बता दिया है, पेंजिया से निकल के आए हैं दोनों के दोनों ये। ज़ीलैंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। रीजन सराउंडिंग, तो सराउंडिंग रीजन में हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, तस्मान सी हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इधर को जाते तो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन ही आ जाता है हमारा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम बताओ। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, ये मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखा देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये बनी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी और जो थ्योरी ऑफ सी फ्लोर बेडिंग है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वहाँ से फॉर्म हुई थी। प्लेट जो हॉरिजॉन्टली हैं मूव करती हैं एस्टेनोस्फेयर के ऊपर रिजिड यूनिट्स की तरह, और लिथोस्फेयर के अंदर क्रस्ट होता है, टॉप मेंटल होता है। इसकी थिकनेस जो रेंज करती रहती है 5 से 100 किलोमीटर तक ओशनिक पार्ट्स के अंदर। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये माइनर प्लेट्स से मेजर प्लेट्स तक वेरी करती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से ओशनिक प्लेट्स तक। जो हम लोगों को मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पूछा था उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। एंटार्क्टिका, उसके सराउंडिंग का जो पूरा ओशनिक प्लेट है, एंटार्क्टिका मैप में आपको याद है ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट एक है ये पूरा, अफ्रीका और ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर का एक है, यूरेशिया और उसके एडजेसेंट जो भी एरिया ओशन का। माइनर के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं, पूछा नहीं था लेकिन एक बार नज़र ज़रूर मार लेते हैं। कोकोस प्लेट हो गया सेंट्रल अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, नेस्का प्लेट हो गया जो कि साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, अरेबियन प्लेट की मोस्टली साउथ अरेबियन लैंडमार्क पर है, फिलिपिन प्लेट है एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के ऊपर, कैरोलिन प्लेट है ये फिलिपिन और इंडियन प्लेन के, फूजी प्लेट है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, टर्किश प्लेट है, एजियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम लोग एक बार जान लेते हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। अर्थ का जो क्रस्ट है ये एक थिन शेल है, कवरिंग है, ठीक है, अर्थ के आउटसाइड में, और अर्थ की पूरी वॉल्यूम का सिर्फ 1% है इसके ऊपर। साइज़ के बारे में जब बात कर रहे थे, ये टॉप कंपोनेंट है हमारे लिथोस्फेयर का और डिवीजन है अर्थ के लेयर्स की, इसमें क्रस्ट होता है और मेंटल का अपर पार्ट आता है। लिथोस्फेयर जो है ना अपने आप में टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर ब्रोकन है, आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, ये सारी के सारी ये लिथोस्फेयर की ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हैं, ये ब्रोकन है पूरी की पूरी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉम्पोजिशन भी बता देता हूँ। तो पहले अर्थ के क्रस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओशन जो है 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का है, इसमें मेजरली जो हमारे माफिया रॉक्स हो गए, बसाल्ट, माफिक रॉक्स, डायबेज हो गया, गैब्रो हो गया। कॉन्टिनेंट की बात करें 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का होता है, थिक है और मोस्टली उसके अंदर फेल्सिक रॉक्स हैं जैसे ग्रेनाइट वगैरह हो गया। कंपोजिशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर अबंडेंट में 46.6% है। सिलिकॉन 27, आपको टॉप 4 पता होना चाहिए इसमें। एल्यूमिनियम 8.1% और फेरस Fe होता है आयरन को बोलते हैं, ये है हमारा 5.5% के आसपास। GS पेपर 2 टॉपिक्स कवर्ड अंडर इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है स्टार्स, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स प्रोग्राम, यानी कि कुछ राज्यों के लिए टीचिंग और लर्निंग और रिजल्ट्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट वगैरह चलाने की बात की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का यार ये इतना जो पार्ट है ना इसको बहुत संभाल के रख लो, बहुत अच्छा पार्ट है ये, लिख लो इसको। एक प्रोजेक्ट है ये इंप्रूव करेगा हमारी क्वालिटी और गवर्नेंस स्कूल एजुकेशन की 6 इंडियन स्टेट्स में, 6 का 6 आपको नाम याद होने चाहिए, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। कुछ देखो डेटा बड़ा अच्छा है, 250 मिलियन स्टूडेंट्स जिनकी एज से 6 से 17 साल के बीच में, 1.5 मिलियन स्कूल यानी 15 लाख के आसपास स्कूल्स होंगे और 10 मिलियन टीचर, 1 करोड़ के आसपास टीचर्स होंगे, ठीक है, जिनको इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा डेटा, ये टारगेट बहुत बड़ा है एक्चुअली। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिफॉर्म के, तो वो फोकस होगा डायरेक्टली ऑन द डिलीवरी ऑफ द एजुकेशन सर्विस स्टेट के अंदर, ठीक है, उसके डिस्ट्रिक्ट भी काउंट होंगे, सब डिस्ट्रिक्ट को भी काउंट किया जाएगा, प्लस लोकल लेवल के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेशली अगर लोकल लेवल की बात करो तो वहाँ की लैंग्वेज को देखकर, वहाँ की जियोलोकेशंस को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो मेजर डिमांड होती है उसमें हम लोगों ने बोला है कि स्टेक होल्डर जैसे कि पेरेंट्स हो गए, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूजन उनकी रिक्वायरमेंट है। एक PTM करके जो था सरकारी स्कूलों में भी स्टार्ट करवा दिया गया था, पहले सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि स्पेशल अटेंशन देना चाहते हैं वल्नरेबल सेक्शन को, जो कि एक्सपोज टू थ्रेट, पुअर सेक्शन हो गया और मार्जिनलाइज सेक्शंस हो गए, उन सबको टीचर्स को इक्विप करना चाहते हैं सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए मेजरली, बाय रिकॉग्नाइजिंग जो टीचर हैं वो सेंट्रल होते हैं किसी भी लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए। सेंटर पॉइंट होता है, एक नोडल पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर, तो उनके ऊपर फोकस इनका ज़्यादा रहने वाला है।
इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादातर डेवलपिंग इंडिया के ह्यूमन कैपिटल नीड्स को, जहाँ से एजुकेशन को इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन कैपिटल नीड्स की तरफ भी बहुत मेजर अपना इन्वेस्टमेंट हो उनका। फाउंडेशन लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्पेशली 1 से 3rd क्लास की बात करते हैं तो उनको कॉग्निटिव और सोशियो बिहेवियर स्किल्स सिखाना चाहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में सिखाना चाहते हैं, जबकि फ्यूचर में आने वाली लेबर मार्केट की जो भी नीड्स होती हैं उन सबको फुलफिल किया जा सके। तो आत्मनिर्भर भारत का भी इसके साथ कुछ कनेक्शन है। आत्मनिर्भर भारत कॉल्स फॉर एन इंडिया जो अपने आप में प्रोड्यूस कर सकता है और डिलीवर कर सकता है लोकल गुड्स और सर्विसेज अपने सिटीजन्स को, वो आत्मनिर्भर भारत की बात हैगी। तो यही चीज़ हमारी एजुकेशन पर भी अप्लाई होती है सभी बच्चों के लिए। तो एक सर्विस को डिलीवर करना जैसे एजुकेशन है, उसमें एक कैपेबल स्टेट, एक सक्षम देश की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जहाँ पर स्केल इतना बड़ा हो, लोग इतने ज़्यादा हो, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा हो, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स हो, तो बहुत ही सक्षम स्टेट की हमको ज़रूरत पड़ती है। स्टेट की कैपेबिलिटी को बिल्ड करना, ठीक है, एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग टू डू थिंग्स ऑन इट्स ओन, यानी कि अपने आप सेल्फ रिलायंट बनना, खुद करने का, यही बेसिकली हमारे आत्मनिर्भर भारत के पीछे का प्रिसाइज आइडिया है। फंडामेंटली इट कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड, सीधी सी बात बता दी इसने, इसको फंडामेंटली मतलब आउटसोर्स तो कर ही नहीं सकते हैं किसी भी हाल में। दूसरे शब्दों में स्टेट्स कैपेबिलिटी इज अबाउट गेटिंग थिंग्स डन इन द गवर्नमेंट एंड बाय द गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन दैट इज रिस्पॉन्सिव टू लोकल नीड्स। राज्य की, देश की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के तहत, सरकार की निगरानी में, सरकार की मदद से इन सारे के सारे जो भी ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं इन सबको इम्प्लीमेंट करें इफेक्टिव मैनर के अंदर, प्लस में लोकल नीड्स के लिए ज़रूर रिस्पॉन्सिबल रहूँ, ठीक है, बट ऑल्सो अबाउट बीइंग एबल टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट रिफॉर्म्स, और उसके अलावा चेंज के लिए रेडी ज़रूरी है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट और रिफॉर्मेशन की वहाँ के लिए रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टार्स अप्रोच ने कुछ फ्लॉज भी बताए गए हैं, ठीक है, कि एक स्टेट कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए कुछ फ्लॉज बताए गए हैं, जैसे कि इन्होंने बेसिक कैपेसिटी इश्यूज को तो हैंडल किया ही नहीं। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की तो कुछ मेजर वैकेंसीज जो आती हैं वो DIET डाइट से आती हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की बात की, नो टीचर इन स्कूल, जो टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर उन सबको तो वो सारे अनएड्रेस रह गए हैं अगर हम स्टेट कैपेसिटी की बात करते हैं तो। फिर वर्ल्ड बैंक ने जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको डिसेंट्रलाइजेशन की बात है उसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है, फंड्स की डिवोल्यूशन को और जो भी उसकी रियल डिसीजन मेकिंग पावर होती है उन सबको इग्नोर सा करके चल रहे हैं। प्लस में जो ट्रस्ट, आप लोगों को पता है ना स्कूल्स में कॉलेजेस में ट्रस्ट वगैरह होते हैं, उनको इस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में एंटायरली इग्नोर कर दिया है। मेजर फोकस उन्होंने डाल दिया है ऑन रिलायंस के ऊपर, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के ऊपर फोकस डाल दिया है एज ए पनेशिया। पनेशिया का मतलब होता है सॉल्यूशन फॉर ऑल, जैसे रामबाण कहते हैं इसको, अगर हिंदी में बोलें तो एक रामबाण बता दें कि ICT इज़ द पनेशिया, इसके तहत सब कुछ हो जाएगा हमारा। आउटसोर्सिंग बेसिक गवर्नेंस फंक्शन जैसे कि एक्सपेंडिंग प्राइवेट इनिशिएटिव, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट टास्क, उन्होंने इस बात की भी कुछ कमी बताई है कि आउटसोर्सिंग की ज़्यादा बात की जा रही है। इंडिया चाहता है आत्मनिर्भर होना तो कहीं ना कहीं कुछ फ्लोज हैं जो मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को इक्विप होना पड़ेगा एडिक्वेट फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। ये तीनों ही ज़रूरी है, फिजिकल भी, फाइनेंशियल भी और ह्यूमन रिसोर्सेज, HR जो एम्प्लॉयमेंट होता है। जो ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी होती है ना जिसके अंदर वैकेंसीज बहुत खाली रहती है, बेसिक और जिसके पास बेसिक इक्विपमेंट्स होते ही नहीं है वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। देखो इस पर सवाल बन चुके हैं ब्यूरोक्रेसी के रोल के ऊपर, सिविल सर्वेंट्स के रोल के ऊपर, उनकी इनएफिशिएंसी क्या है वैकेंसीज के ऊपर, ये सवाल आ चुके हैं मेंस के अंदर भी, आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होते हैं फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेसी के पास, ठीक है, नहीं होते हैं तो उनको देने चाहिए, इस यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट गिव, देने चाहिए उनको, तभी जाकर इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली अगर आप लोकल इश्यूज़ की बात करते हो, वहाँ पर इनोवेशन की जब रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उनको ग्रेटर डिस्क्रिशनरी पावर देनी चाहिए उनको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और पीयर्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सबके अंदर आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये एक वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है पूरा का पूरा ऑप्टिमिज्म के अंदर। तो एजुकेशन के मामले में मैं कहूँगा बहुत अच्छे से इन्होंने लिख रखा है, आप नोट कर लो, एजुकेशन का कोई टॉपिक आता है उसके वे फॉरवर्ड में आप पुटअप कर सकते हो, ऐसे ही होता है प्रिपरेशन, लोग ऐसे ही करते हैं। स्टेट्स दैट आर कवर्ड अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक और उसकी फंडिंग, इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, ओपन डेटा इनिशिएटिव, ये सारे के सारे मैं आपको डिफरेंट स्लाइड में बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक के ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें IBRD, IFC, IDA ये स्पेशलाइज एजेंसीज हैं जो कि UN की भी स्पेशलाइज्ड हैं, और ICSID और MIGA ये स्पेशलाइज नहीं है, ध्यान रहे। जो पांचों इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अपनी खुद की कंट्री मेंबरशिप है, गवर्निंग बोर्ड्स हैं, आर्टिकल्स हैं एग्रीमेंट के, और वो वर्क क्या करते हैं, एक सर्व करते हैं अपने पार्टनर कंट्रीज़ को। IBRD और IDA ये लोन्स देते हैं प्रेफरेंशियल रेट्स के ऊपर मेंबर कंट्रीज़ को, एज वेल एज पुअर कंट्रीज़ को ग्रांट्स भी देते हैं।
IFC, MIG, ICS, ID, इनका काम है फोकस करना प्राइवेट सेक्टर और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, उस पर उसको स्ट्रेंथन करना, जिसमें फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस हो गया, डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट वगैरह हो गया, ये सब। हर एक मेंबर कंट्री जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ना उसको वोटिंग पावर मिलती है अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इतना ही काफ़ी था। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये अच्छा टॉपिक है। IBRD और IDA को कलेक्टिवली मिलाकर वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ये कंट्रीज़ को लोन देता है कैपिटल प्रोग्राम्स के लिए। इनको क्रिएट किया गया था 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जिसके साथ ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी निकाला गया था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक को ट्विंस बोलते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोल सकते हैं आप इनको। ये इसके 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये शेयर होल्डर्स भी होते हैं और रिप्रेजेंट की जाते हैं एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा, जो कि अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स होते हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक का एम क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना, ठीक है, रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन दैट लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी 3% तक लेके आना। टारगेट टाइम क्या है, 2030 तक का। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। इनकम को इंक्रीज़ करना पुअरेस्ट 40 कंट्रीज़ की, हर एक कंट्री के अंदर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। नीचे लास्ट के दो लाइंस में हम लोग दे लेते हैं क्लीन एयर इनिशिएटिव क्या है। ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है एडवांस इनोवेटिव वेज़ को एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जो भी सिटीज़ है उनमें पार्टनरशिप के थ्रू। और रिपोर्ट्स कौन से रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक, हमको ये पता होना चाहिए। बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, पॉवर्टी और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ओपन डेटा इनिशिएटिव का भी हम एक बात कर रहे थे, ये माइक्रोसॉफ्ट का इसमें बहुत मेजर रोल है। बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि वर्ल्ड के तो जो भी डेटा है ना, जो ओपन सोर्स होना चाहिए, सब उसको यूज़ कर सकते हो, सबके रिलायबल हो। ऑब्वियसली बात है, आप सारा डेटा का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉन्फिडेंशियल डेटा भी रिलीज़ कर दोगे, लेकिन एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा है जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि वो हर एक के एक्सेस में हो। उसके ऊपर कोई लोकेशन बेस्ड उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या फिर गवर्नमेंट या कंट्री बेस्ड उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। Another topic covered under effect of policies and politics of the developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora. In the next 24 hours, Palestine faces an existential threat. 24 जून को UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक वर्चुअल मीटिंग में UNSC को बताया था कि जो इसराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक वाटरशेड मोमेंट है। वाटरशेड का मोमेंट क्या मतलब का मतलब होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हिस्टोरिक, वेरी मतलब ये एक हिस्टोरिक टर्न पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए। इसराइल ने प्लान किया है कि वो वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट्स को एनेक्स करेगा, ठीक है, और उसने अलार्म कर दिया, वार्निंग दे दी पैलेस्टीनियंस जो वहाँ पर रह रहे हैं और जो इसराइल वगैरह इंटरनेशनल कम्युनिटी सबको। ऐसे एनेक्सेशन को एक वॉयलेशन कंसिडर किया जाएगा इंटरनेशनल लॉ का। एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आसानी से आ जाए। ये पूरा हमारा एरिया है, ये जॉर्डन है, ये गोलन हाइट्स है, ये सीरिया है, ये सऊदी अरेबिया हो गया, इधर इजिप्ट हो गया, ये सिनाई हो गया, ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ना सैफरन, ये इसराइल है। ये जो वेस्ट बैंक है इसके अंदर पार्ट के अंदर कुछ जगह पर, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ एक बार, ये जो आपको वेस्ट बैंक के यहाँ बीच में थोड़ा ब्लू दिख रहा है ना जो मैंने सर्कल किया, ये हमारा डेड सी है, ध्यान रहे। और जेरूसलम भी यहीं कहीं है इधर, डेड ये मैंने थोड़ा जो रेड रेड डॉट्स लगा रहा हूँ, यहाँ के जेरूसलम है जो कैपिटल है। तो अभी इसराइल बोल रहा है कि हम लोग वेस्ट बैंक के पार्ट को एनेक्स कर लेंगे, तो इसी के बारे में बात चल रही है। इनकी कहानी तो क्या है, मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पूरा का पूरा, तो एक सेम टॉपिक बार बार रिपीट तो इतना नहीं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो बड़े टॉपिक हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं इतना, ठीक है। कहाँ गया हाँ, तो अब क्या करने की ज़रूरत है, क्या किया जा सकता है। तो एंटोनियो गुटेरेस ने एक इजरायली गवर्नमेंट को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि आप अबेंडन कर दो अपने एनेक्सेशन प्लान्स को। और उन्होंने कहा था कि जो मिडल ईस्ट क्वार्टरेट है ना, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है और UN है, इनको अपना मैंडेटरी मिडिटरी रोल को दोबारा से रिज्यूम करने की ज़रूरत है, ताकि एक पीस प्लान को, जो कि पीस प्लान पहले बना था मिडल ईस्ट के रिगार्डिंग, उसको इनेक्ट किया जा सके। इशू क्या है, UN के सेक्रेटरी जनरल ने ऐलान किया है कि भैया देखो, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी रिपोर्ट का उन्होंने प्लान किया है कि वो 1 जुलाई को 30% जो भी ऑक्यूपाइड पार्ट है वेस्ट बैंक का उसको एनेक्स कर लेंगे, उसको हथिया लेंगे। दिस विल इंक्लूड एनेक्सेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पोस्ट 1967 के बाद जो सेटलमेंट्स हुई थी वहाँ पे, एडिशन टू एरियाज जो उसके आसपास के हैं, प्लस उसमें उसके जो एक्सेस रोड्स हैं, इन सबको एनेक्स कर लेंगे।
अब एनेक्सेशन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्या है और क्या इसराइल का जो मूव है इलीगल है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एनेक्सेशन यानी कि किसी भी जगह को हथियाना, किसी के ऊपर कब्जा कर देना, एक फोर्सिबल एक्विजिशन होता है टेरिटरी का, ठीक है ना, बाय वन स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर स्टेट, यानी कि एक राज्य के द्वारा, एक जगह, एक देश के द्वारा दूसरे देश का नुकसान करते हुए। इस तरह के एक्ट्स को हम लोग जनरली एक प्रिंसिपल के अंदर कंसिडर किया जाता है, इलीगल भी होता है ऑब्वियसली बात है, इन एडमिसिबिलिटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय फोर्स। एक्चुअली आज लगातार बोल रहा हूँ ना, एक बैक टू बैक, दैट्स वाई। सो सच एन एक्ट इज इवन इफ सेंक्टिफाइड बाय इसराइल लॉ इज इलीगल, यानी कि अगर इसराइल का लॉ इस तरह के लॉ को सेंक्टिफाई करता है, अलाउ करता है, फिर भी वो इलीगल है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, ठीक है। और ये यूनिवर्सल एक एक्नॉलेज है, उसको वॉलेट भी करता है। ये प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, आई थिंक ये ऐसे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कहीं अगर सिक्योरिटी वाला कोई टॉपिक आ गया तो। सो ये एक एक्सेप्टेड पोजीशन है, सभी सारी के सारी लीगल बॉडीज इस प्रिंसिपल को कंसिडर करके चलती हैं, इवन यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस बात को मानता है। जो ऑफिस है हाई कमिश्नर का ह्यूमन राइट्स का, UNHR, जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसका ऑफिस है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो एनेक्सेशन है ना ऑक्यूपाइड टेरिटरी का, ये एक सीरियस वॉयलेशन होता है यूनाइटेड नेशन और जिनेवा कन्वेंशन का जो भी चार्टर था। अब यार ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो चार्टर कौन से वॉयलेट किए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के केस में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो कंट्रारी टू द फंडामेंटल रूल अफर्म बाय मेनी टाइम्स बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली, द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी वॉर और बाय फोर्स इज इनएडमिसिबल। कहने का मतलब ये है, तीन तरह की वॉयलेशंस की बात की जा रही है। पहली बात, सब ने एक्सेप्ट किया हुआ है। दूसरी बात, ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको वॉयलेशन होता है। तीसरी चीज़, UNSC के भी कुछ रूल्स वगैरह का वॉयलेशन होता है। तो तीनों वॉयलेशन की ट्रेटीज़ आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक कहाँ है? ये एक लैंडलॉक लोकेशन है मेडिटेरेनियन सी कोस्ट के ऊपर, वेस्टर्न एशिया के अंदर, जिसका बॉर्डर पे जॉर्डन है। ग्रीन लाइन सेपरेट करती है इसराइल को साउथ में, वेस्ट और साउथ में। वेस्ट बैंक के ऊपर एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंट सेक्शन है, वो वेस्टर्न डेड सी शोर है, तो मैंने आपको मैप पे दिखाई दिया। डिस्प्यूटेड सेटलमेंट्स कहाँ है, वो कौन रह रहे हैं? वेस्ट बैंक को कैप्चर किया गया था जॉर्डन के द्वारा 1948 के अरब इसराइली वॉर के अंदर। अब ये मत पूछिएगा अरब इसराइली वॉर क्या होता है, क्योंकि वो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता है, बड़े टॉपिक है अपने आप के अंदर। इसराइल ने इसको वापस से स्नैच कर लिया था, एक सिक्स डेज का वॉर हुआ था 1967, वापस ले लिया था इसराइल ने, और तब से अब तक उसको ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। उन्होंने इसराइली ने वहाँ पर 130 के पास फॉरेन सेटलमेंट्स बना लिए हैं, ठीक है, और 20-25 ओवर द पिछले 20-25 सालों के अंदर कुछ और भी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी बनाए हैं। 130 तो फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल भी बनाए जा रहे हैं। कुछ 400,000 इसराइली सेटर्स हैं, मोस्टली उसमें ज़ियोनिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि इस लैंड के ऊपर उनका बर्थ राइट है, ठीक है, अब वो यहीं रहेंगे अलॉन्ग विद सम 26,00,000 पैलेस्टीनियंस। तो वो कहना चाहते हैं हमारा एरिया है, जो 26,00,000 जो पैलेस्टीनियंस है ना, ये यहाँ पर गलत रह रहे हैं। इंस्टा लिंक्स की बात करते हैं। ओवरव्यू क्या है प्रपोज्ड वेस्ट एशिया पीस प्लान का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सिक्स डेज वॉर, इसमें इसराइल ने अपना एरिया वापस लिया था पूरे वॉर का, तो क्या ही समझाऊंगा। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मिडल ईस्ट क्वार्टलेट चार का बता रहे थे, यूएन है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है और रशिया है। लोकेट द फॉलोइंग ऑन मैप, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, जेरूसलम और डेड सी। सारे के सारे मैंने पहले भी दिखा दिए, स्टार्टिंग में दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं वेस्ट एशिया पीस प्लान के बारे में। वेस्ट एशिया पीस प्लान, इसके की हाइलाइट्स क्या हैं? ये एक प्रपोजल है इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट बनाने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए इसराइल की सॉवरेनिटी वेस्ट बैंक के सेटलमेंट्स के ऊपर। इस प्लान के मुताबिक इसराइल को अलाउ किया जाएगा कि वो जो भी ज्यूस सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर वेस्ट बैंक पे और जॉर्डन वैली के ऊपर, उन सबको एनेक्स कर ले। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ जिनको फोर्स किया गया था कि अपने घरों से चलें, यानी कि 1948 के अरब इसराइली वॉर के अंदर, दैट फॉलोड द डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल इन हिस्टोरिक पैलेस्टीन, उनको वापस उस जगह पर रिटर्न नहीं करवाया जाएगा। वो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट में जा सकते हैं या फिर किसी होस्ट कंट्रीज में जाना चाहें दूसरी जगह पर वहाँ जा सकते हैं। लैंड स्वैप की क्या बात की गई थी? प्लान में ये प्रपोज किया गया था कि इसराइल एनेक्सेशन के अंदर वेस्ट बैंक जो है वो ज्यूइश सेटलमेंट्स की हो जाएगी, और उन्हें एनलार्ज करने की बात की थी गाज़ा को, और कनेक्ट करेंगे इस स्ट्रिप को वेस्ट बैंक के थ्रू एक टनल के द्वारा। US ने प्रपोज किया था कि 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अगले 10 साल तक, अगर पैलेस्टीनियंस इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो। फाइनल सेटलमेंट में पैलेस्टीनियन को मिलेगा कंट्रोल इससे भी ज़्यादा बड़े लैंड के ऊपर जितना अभी कंट्रोल करके बैठे हैं। ये था वेस्ट पीस प्लान। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही आता है 1946 से, और उसने रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को, यानी कि बस काउंसिल को रिप्लेस करके कमीशन थोड़ा सा आगे चेंज, नाम चेंज किया था, वैसे फंक्शन में भी चेंज होता है। ये यूनाइटेड नेशन के इकोसॉक की एक सब्सिडरी बॉडी है और असिस्ट करती है UNOHCHR को, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स को।
ये यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाता है। जीएस पेपर 3 में टॉपिक्स कवर्ड अंडर फूड प्रोसेसिंग स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। MSMEs का नाम आप लोग सुनते होंगे, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस भी होते हैं, उनको फॉर्मलाइज करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसका पूरा नाम है PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। ये स्कीम जो है 5 साल के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी 2024 और 25 तक। स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। यूनियन कैबिनेट ने लास्ट मंथ इसको अपना अप्रूवल दे दिया था। और देखो फोकस क्या है स्कीम का, फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर। क्या हो रहा है मेरे फ़ोन को? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जितने भी ऑल इंडिया बेसिस है वहाँ इनका टारगेट रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक बार पूरा रीड करेंगे, ध्यान रहे। इंक्रीज इन द एक्सेस टू फाइनेंस बाय माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, फाइनेंस में इंक्रीमेंट करना है। उनका टारगेट एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू इंक्रीज करना है। एनहांस कंप्लायंस फूड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट सिस्टम की जितनी भी कैपेसिटीज होती है उनको सबको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को शिफ्ट करवाना है फॉर्मल सेक्टर की तरफ, ठीक है। स्पेशल फोकस देना है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो होते हैं जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है वो बहुत लो होता है। वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, इस चीज़ को एनकरेज करना है। फोकस ऑन द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल, ये तो पूरा अपने आप में एक टॉपिक है मेंस का, ट्राइबल एरियाज के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ना, अपने आप में पूरा का पूरा टॉपिक है। सेलेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो शेयर किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के द्वारा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं नीचे इनसाइट के प्रीलिम्स वाले टॉपिक में समझाऊंगा आपको, ठीक है। 2 लाख के आसपास माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जिनको असिस्टेंस दी जाएगी क्रेडिट लिंक सब्सिडी का। माइक्रो एंटरप्राइजेज को क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलेगी 35% तक, ध्यान रहे, पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर। और 10 लाख मैक्सिमम होगा, 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए वो। बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 10% मिलेगा बैलेंस, जो कि स्पेशल अच्छा सीड कैपिटल जो दिया जाएगा ना, ये SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 4 लाख रुपये पर सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन दिया जाएगा, ठीक है, जो भी वर्किंग कैपिटल और स्मॉल टूल्स के लिए। क्लस्टर अप्रोच रहेगी इसकी, फोकस पेरिशेबल्स के ऊपर रहेगा। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, वो खाने की चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनको पेरिशेबल्स बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव और इम्प्लीमेंटेटिव मैकेनिज्म्स क्या कुछ हैं हमारे इसमें। स्कीम को मॉनिटर करेगा सेंटर, किसके तहत करेगा, चेयरमैनशिप होगी मिनिस्टर की FPI से, इंटर मिनिस्टरियल एम्पावर्ड कमेटी। वेरी वेरी वेरी, स्कीम के बारे में कौन मॉनिटर कर रहा है डायरेक्ट प्रीलिम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है। स्टेट यूटी लेवल कमेटी होगी जिसको चेयर करेंगे चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। मॉनिटरिंग करना, सेंक्शनिंग करना, रिकमेंड करना प्रपोजल्स वगैरह को, माइक्रो यूनिट्स का एक्सपेंशन करना है, नई यूनिट सेटअप करनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा या फिर FPOs के द्वारा, कोऑपरेटिव्स के द्वारा, ये सारा का सारा काम कौन करवाएंगे, चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल पे। स्टेट यूटीज़ जो है वो एनुअल एक्शन प्लान्स भी के भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे स्कीम की। और लेकिन इसको अप्रूवमेंट कौन देगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पार्टी का इवेल्यूएशन मिड टर्म, बीच में उनको रिव्यू करना, मैकेनिज्म इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। नेशनल लेवल पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर एक पोर्टल सेटअप किया जाएगा जहाँ पर एप्लीकेंट्स इंडिविजुअल्स सब के सब अप्लाई कर सकते हैं स्कीम के लिए। और ये जो स्कीम है ये अंडरटेकन ये नेशनल पोर्टल के अंडर रखी जाएगी। अच्छा ये लाइन क्यों लिखी है ना, ऑल द स्कीम्स एक्टिविटीज़, हाँ स्कीम की सारी एक्टिविटीज़ होंगी ना वो भी नेशनल पोर्टल के अंदर आएंगी। स्कीम के बेनिफिट्स हम लोग देख लेते हैं। कुछ 8 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेगा इस स्कीम के आने के बाद, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन उनका बहुत बेटर होगा, ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता चलेगा। फॉर्मलाइजेशन के कारण क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और वो भी अपने आप में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। फिर प्रोजेक्ट के अंदर जनरेट हम लोग बेसिकली 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेस टू क्रेडिट, लोन वगैरह लेना उनके लिए आसान हो जाएगा, MFEs के लिए, ठीक है। वुमेन एंटरप्रोज एंड ऑन्टरप्रनोर्स हो गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ऑर्गेनाइज मार्केट के साथ इनका बेटर इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम मेंस के क्वेश्चन की तरह समझ के चलो उसको, ये पूरे के पूरे पॉइंट आपको ऐसे लिखने होते हैं। एक्सेस इंक्रीज करेंगे कॉमन सर्विसेज जैसे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
अब वाई डू वी नीड दिस स्कीम, हमको स्कीम की ज़रूरत क्यों है भाई? ठीक है, हमारे यहाँ पर कुछ 25 लाख के आसपास अनरजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं, जो कि 98% है सेक्टर का, और अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल का। इसमें से 66% जो यूनिट्स हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर हैं, 80% उसमें से फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेज हैं। तो इस सेक्टर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली एक्सेस क्रेडिट लोन वगैरह लेने में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, फूड सप्लाई चेन बड़े बड़े उनके साथ इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इनको नहीं पता होता है। ठीक है, अब इस तरह की स्कीम लाने के बाद हम लोग तो उनका वेस्ट के अंदर रिडक्शन कम कर पाएंगे। ठीक है, ऑफ फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, स्पेशली जो डबलिंग फार्मर्स इनकम 2022 का है DFI, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हम लोगों को। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अब डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो गई, ये सेंट्रल सेक्टर है, तो यहीं पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। स्पॉन्सर्ड के अंदर क्या हो रहा है, सेंटर भी पैसा दे रहा है, और मान लो सेंटर भी पैसा दे रहा है, स्टेट भी पैसा। सेंटर ने दे दिया भाई, मान लो 60% दे दिया, स्टेट कितना देगा, 40%। जैसे ऊपर वाली जो हमने स्कीम में भी डिस्कस किया उसमें 60-40 का ही है। सेंट्रल सेक्टर में सारा का सारा जो पैसा होगा वो सेंटर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। प्लस में सेक्टर के अंदर क्या होता है, सेंटर जो पूरा का पूरा स्कीम को लॉन्च करता है उसमें सेंटर यूनियन सब्जेक्ट्स उठाता है मेजरली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर टॉपिक है कोर वर्सेस द कोर ऑफ कोर स्कीम। देखो, ये ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के अंदर ही अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कोर होता है, कोर ऑफ द कोर होता है, ठीक है, फिर कोर होता है, फिर ऑप्शनल होता है, बेसिकली कुछ भी नहीं होता है। ये किस तरह का कितना फाइनेंस देना है, कितना परसेंटेज किसको देना है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कोर ऑफ द कोर के अंदर अगर हम बात करते हैं मनरेगा की, तो मनरेगा में 25% जो होता है वो स्टेट को देना पड़ता है, 75% सेंटर को देना पड़ता है, उस तरीके से होता है ये। बाकी नीचे वाले जो भी हैं सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। 59 चाइनीज ऐप्स बैंड, दिस कम्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़। इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा बताने का। ठीक है, आप लोगों को सबको ये बहुत न्यूज़ पता होगी ढंग से, कुछ भी इतना खास नहीं। एक दो चीज़ें होंगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ, बीच में वो ये सब कि गवर्नमेंट ने बैन किया है सेफ गार्ड करने के लिए अपने इंटरेस्ट वगैरह, गवर्नमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ठीक है, हाँ, इंडियंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक बार देखना चाहो तो बेशक से। मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर इंडियन क्रिएटर्स थे, 100 मिलियन तो टिकटॉक के ऊपर थे, यूसी न्यूज़ के ऑफिसेज वगैरह थे, तो लोगों की जॉब जाने का खतरा है। नेक्स्ट क्या होगा, MEITY जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं गूगल और एप्पल को कि इन बैंड ऐप्स को रिमूव कर दें अपने एप्लीकेशन स्टोर से। एडिशनली टेलीकॉम सेक्टर और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी होते हैं उनको बोला गया कि आप इनका एक्सेस ब्लॉक कर दो आपके नेटवर्क के ऊपर, जो भी अगर ये ऐप्स काम करती हैं। तो मिनिस्ट्री ने अपनी कौन सी पावर यूज़ की, ये एक चीज़ है जो आप नोट डाउन करके रख सकते हो। यहाँ पर सेक्शन 69A है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। ठीक है, उसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल 2009। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। बाकी ऊपर आपको पता ही है कहानी, कुछ है नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देख लो सब वही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। Legitimate concern on law and order in Nagaland. This is covered under internal security related issues. Context क्या है? Legitimacy of the constitution, जो कि सरकार, elected सरकार है, government है, ठीक है, वो Nagaland के अंदर day to day basis के ऊपर armed gangs के द्वारा question की जाती है, challenge की जाती है, और question उठता है government की, nation की sovereignty और integrity के ऊपर। ठीक है, नागालैंड के गवर्नर ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बोला है कि ही कैन नो लॉन्गर एब्सटेन, अब खुद को वो रोक नहीं पाएंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं आर्टिकल 371A क्लॉज ए सब क्लॉज बी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या है ये आर्टिकल, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक्सक्लूसिवली नागालैंड के लिए है, जिसमें गवर्नर के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वहाँ के नियम और कानून को लेकर। इस प्रोविजन के मुताबिक गवर्नर के पास सारे प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए अपना फाइनल से होता है, जो भी मैटर रिलेटेड होता है स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टे एंड ऑर्डर। तो आर्टिकल 371A क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज भी आपको पता होना चाहिए क्या है नागालैंड के गवर्नर की स्पेशल पावर। इशू क्या है, गवर्नर ने कहा है कि देखो बहुत सारे कंसर्न हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के वहाँ के कानून को लेकर, इलीगल कलेक्शंस होता है आर्म ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है लगातार। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने कहा कि सरकार, केंद्र सरकार बार बार इस बात को कही जा रही है, हेराल्डिंग का मतलब हो रहा है फ्यूचर के लिए बार बार कही जा रही करने की कोशिश में है नागा पीस अकॉर्ड को, जो कि 2015 से बात चल रही है, लेकिन अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि फाइनलाइज हो पाएगा इन ग्रुप्स के साथ। कुछ वेज के अंदर
ड्यू टू NSCIN IIM's ऑब्सटेंसी, ये जो इंस्टेंस है वो चाहते हैं उनका एक सेपरेट फ्लैग हो, उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, नागालैंड स्टेट के लिए, और वो बिल्कुल ही अनविलिंग है अपनी पैरामिलिट्री और पैरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए। इससे एक डिस्ट्रस्ट इवोक होता है नागा की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है, उनकी कोर आइडियोलॉजी है वो ग्रेटर नागालिंगम चाहते हैं, ठीक है, उनकी कुछ इनहेरेंट डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, इंसर्जेंट एक्टर्स वगैरह भी हैं, जिसके कारण ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये बार बार बढ़ता जा रहा है। सीज फायर्स भी इम्प्लीमेंट किए गए थे लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका ऐसा कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। नागा पॉलिटिकल इशू कितना पुराना है, वो है क्या, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने असम को एनेक्स किया था 1826 में, और 1881 के अंदर नागा हिल्स जो थे वो भी ब्रिटिश का पार्ट बन गए थे। पहला साइन जो नागा रेजिस्टेंस ने दिखाया था वो नागा क्लब के फॉर्मेशन पे था 1918 के अंदर, जब उन्होंने साइमन कमीशन को 1910 में बोला था कि दे शुड लीव अस एंड टू डिटरमाइन फॉर आरसेल एज इन एंशियंट टाइम, कि जिस तरीके से हम पुराने समय में अपने आप को खुद एडमिनिस्टर करते थे हम अपने आप को आज भी उसी तरीके से करेंगे, हमको कोई और हमारे ऊपर राज करें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। 1946 के अंदर नागा नेशनल काउंसिल बना था जिसने खुद को डिक्लेयर कर दिया था नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट 14 अगस्त 1947 में। किसने? नागा नेशनल काउंसिल ने, NNC ने रिजॉल्व किया था कि एक वो सॉवरेन नागा स्टेट एस्टेब्लिश करेंगे, और उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया था। रेफरेंडम में क्या होता है कि आप एक ओपन वोटिंग टाइप का होता है, तो आप लोगों से हाँ या ना में जवाब पूछते हो, जैसे ब्रेक्सिट हुआ था ना, ब्रेक्सिट के लिए भी एक रेफरेंडम पास किया गया था। तो 1951 के अंदर एक रेफरेंडम पास किया था उन्होंने नागालैंड के एरिया में, जिसमें 99% लोगों ने बोला था कि वो इंडिपेंडेंट नागालैंड स्टेट चाहते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद 22 मार्च 1952 को नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी, ये दोनों के दोनों फॉर्म हो चुके थे। इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर आर्मी को भेजा इस इंसर्जेंसी को क्रश करने के लिए। 1958 के अंदर वहाँ पर एफ्सपा लगा दिया गया था, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। अब व्हेन डिड NSCIN कम इनटू बीइंग, एक ग्रुप है 140 मेंबर्स का जिसको लीड करते हैं थ्यांगलियांग मुविया, ठीक है, उस टाइम पे चाइना में थे वो, उन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया था कि भाई मैं शिलोंग अकॉर्ड को नहीं मांगता हूँ। उन्होंने फॉर्म किया था जिसको NSCIN बोलते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड 1918 के अंदर। अब अकॉर्ड के मुताबिक NNC और NFG इन्होंने एग्री किया है कि वो अपने आर्म्स को गिव अप कर देंगे। 1988 के अंदर NSCIN स्प्लिट हो गया था NSCIN IIM और NSCIN K एक वॉयलेंट क्रैश के बाद। ठीक है, अब तक की ये कहानी थी। बेसिकली गवर्नर की आपको ये पता होना चाहिए गवर्नर की पावर क्या क्या है, ठीक है, ये नहीं पूछेंगे गवर्नर ने क्या बोला है रिसेंटली आज की डेट में, गवर्नर की पावर क्या है, इशू क्या है, आगे क्या हो सकता है, नागा पी पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में एंड एवरीथिंग। मैं इसका इंस्टा प्रीलिम्स लिंक स्किप कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस मंथ का, और वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी हैगी। आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो नाउ। थैंक यू वेरी मच।